लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बे, नजर आया? अभी नहीं भाईजान। नजर आते ही उसका खेल खत्म कर दे। ठीक है, कर देता हूँ। हेलो, मोहब्बत का मामला तुम्हें बताया था हमने, तुम कहाँ हो? हम तो फंस गए, उसके भाई को हमारे बारे में इल्म हो गया है और भाईजान ये रहा। चारों जानिब से घेर ले इसको, बोडिया का डालो इसकी। ये क्या दोस्त, हमारी हिफाजत करने की बजाय मौत के मुंह में लेकर आ गए हो? ये तो लावण्या का घर है। मोहब्बत होने के बाद ये सब नहीं सोचते, मुकाबला किया जाता है। कौन है बे तू? कम से कम अपनी बहन से तो कब्ल पूछ लिया होता कि वो किससे मोहब्बत करती है। यही है वो। हाँ, यही है वो। तू अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता है इसका इल्म तो हमें नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन को हिम्मत दिलाने वाला यही है। अगर तूने इन दोनों की बात मान ली तो तेरा होने वाला जीजा है ये। लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी है। संबोरे, संबोरे, संबोरे।
इसको क्या हुआ? अब 5 मिनट तक इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम जाकर लावण्या को लेकर आओ। साले साहब, हम आपकी बहन को लेकर जा रहे हैं। गलती के लिए माजरत चाहते हैं। इजाजत दीजिए भैया। चलिए, चलो। इन दोनों के दरमियान आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे और इनके दरमियान हम खड़े हैं। अगर हमसे टकराने की हिम्मत है तुम में तो आ जाओ, बोटी बोटी कर दूंगा, तेरी नहीं तेरे गुरूर की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गॉट दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड वर्थ 2,000 crore rupees ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज कोऑपरेशन। Who's that? Hey, Krish. That's my son Krishna. My life, my everything. अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? हमें भी जरूर आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। हमारी तो पूरी जिंदगी तुम्हारी खातिर है बेटा। बोलो। सर। Yes? इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करें? खारिज कर दो। क्या? वो मेरे फर्जंद से अहम नहीं है। अरे तुम यहाँ कैसे? क्रिश ने राब्ता करके 15 मिनट में आने के लिए कहा, इसीलिए आ गई। ठीक है, आओ। ये सब क्या है? इन लोगों को यहाँ लेकर आ गए? हमारी शादी भी करा दी अंकल। That's my son. सुनो पद्मा, जब हम हमारे फर्जंद की उम्र के थे तभी अपने दोस्त की शादी इसी तरह से कराना चाहते थे। बदकिस्मती से नहीं करा पाए, लेकिन हमारे फर्जंद ने कर दिखाया। जब देखो तब एक ही फसाना। हमें दुआएं दीजिए अंकल। खुश रहो, जीते रहो, वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। बेटा कृष्णा, तुम्हारे भी अगर कोई ऐसा मामला है तो ऐसा ना करना, उसे घर लाकर हमसे तारुफ कराना। तेरी की, अभी हाजिर होते हैं। मम्मी, डैडी। यस। आपने फरमाया था ना हमसे, हमारा कोई मामला हो तो आपसे तारुफ करा दूं। ये देखिए मधु। hey. एक साल से हमारा चक्कर चल रहा है डैडी। तुम्हें इल्म है, हम भी लड़की को इसी तरह लाकर अपने वाले से तारुफ कराना चाहते थे। हमारे नसीब में वो नहीं थी, आप थी, क्या करें। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब जो हम नहीं कर पाए वो इसने करके दिखा दिया। हमारे वालिद ऐसे ही है।
ये ऐसे ही हैं। जब भी फर्जंद कुछ गलत करता है तो उसे खबरदार करने के बजाय उसकी हिमायत करते हैं और कुछ नहीं। तुम अंदर आओ बेटी, तुम्हारे वालदिन क्या करते हैं? वो गाँव में है, हम यहाँ शहर में रहकर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं। और तालीम हासिल करके तुम क्या करना चाहती हो? कृष्णा से शादी करने का इरादा है। अलविदा। अलविदा। फोन कहाँ गया? हेलो कृष, हमें तुमसे मुलाकात करनी है। इसलिए कोई परेशानी आ गई है। क्या हुआ? मालूम होता है परेशानी बहुत ही बड़ी है। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? लड़की जब ऐसे मस्का लगाती है तो इल्म हो ही जाता है कि उसके दिल में क्या है, वरना तो वो सीधे बात करती है। ऐसी बात नहीं है, हमारी एक सहेली है। मोहब्बत का मामला है, शादी करवा दें क्या? वो बात नहीं है यार, वो काफी जहीन है। यहाँ की तालीम के बाद आगे की तालीम के लिए वो यूएस जाना चाहती है। तो बात आ गई एटीएम पर, उसे पैसों की जरूरत है। अरे कबल पूरा मामला तो जान लो। उसके वालिद अपने गांव में किसी लड़के के साथ उसकी शादी कराना चाहते हैं। वो अव्वल दर्जे का बदमाश और लफंगा है, इसीलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने वालिद से कहा कि उसका एक आशिक है। ओहो, ये तो कोई शतरंज का फसाना मालूम होता है। ये फसाना नहीं, हकीकत है, और उसके वालिद ने उसके आशिक से मुलाकात करने के लिए बुलाया है। अरे वाह, मालूम होता है वो चाल चलने में माहिर है। बजा फरमाया, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर उलझ गई है, इसलिए उसके लिए एक आशिक चाहिए। मालूम होता है तुम्हारी सहेली को आशिक नहीं चाहिए, कुर्बानी का बकरा चाहिए। वो तो किसी को तो बनना ही होगा ना। अच्छा, कोई नजर में है तुम्हारी? कौन है वो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमसे जरा मोहब्बत से गुफ्तगू क्या कर ली, तुम हमें ही उलझा रही हो। वैसे ये बताओ वो है कौन? भूमि। अरे भूमि पर तो हम खड़े हैं, ऊपर आसमान में। कृष भूमि, अब हाथ छोड़ सकते हो। वो सब तो ठीक है, हर लड़की कहती है कि उसका आशिक है और उसे लाती भी है। तुम्हारा कोई खास मामला है क्या, या फिर तुम्हारे वालिद उसे दावत देंगे, जैसे कि किसी को जश्न में दावत दी जाती है? कभी जश्न ना मनाने वाले तुम आज ऐसे सवाल कर रहे हो। तुम जाकर इसका मामला रफा दफा करके सही सलामत वापस लौट आओगे, इसीलिए हम तुम्हें भेज रहे हैं। तुम्हें मुतवज्जा करके हम फंस गए। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ से सीधे अमेरिका उड़ जाए तो? ये अपने वालिद का दिल नहीं तोड़ना चाहती है कृष। बहुत खूब, चश्मा पहनकर रोने की तरकीब बहुत अच्छी होती है। इनके वालिद का दिल ना टूटे ऐसा ये चाहती हैं, इनका दिल ना टूटे ये तुम चाहती हो, और तुम्हारा दिल ना टूटे ये हम चाहते हैं। इसीलिए तुम चाहती हो कि हम इनके साथ जाएं, है ना? तुमसे कहा कि एक आशिक चाहिए, तो तुम अपने आशिक की कुर्बानी दे रही हो। दुनिया में ऐसी पहली लड़की हो तुम। हाँ तो क्या हुआ, अपने घर वालों से क्या कहोगे? जब हमारा दिल अंदर से कहता है तभी हम वालिद को बता देते हैं। अदाकारी कब से शुरू करनी है? कृष्णा बोलो बेटा। डैडी हम दुनिया की सैर पर जाने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? आप जवानी में जाना चाहते थे जो कि मुमकिन न हुआ, इसलिए आपका ख्वाब हम मुकम्मल करेंगे। That's my son. तो तुम कब रवाना होना चाहते हो? कल ही निकल रहे हैं। Go ahead. अब हमारी समझ में आ रहा है कि मुस्तकबिल हमारे साथ क्या करने वाला है। वो तो ठीक है, तुम्हारा कोई भाई बहन मतलब कोई रिश्तेदार? कोई नहीं है, हम अकेले हैं। ओ, हमारी तरह तन्हा हा? मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे वालिद, तुम्हारी वालिदा और तुम, तीन अफराद हैं। तीनों को संभालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमारे साथ और 20 अफराद रहते हैं। क्या कहा, 20 अफराद? हमारा मुश्तरका खानदान है कृष। खानदान है या रेलगाड़ी? यह है मेरे वालिद साहब सत्य प्रकाश। हमारे पैदा होने के 2 साल बाद हमारी अम्मा दुनिया से चल बसी। सब कहते हैं कि उसके बाद मेरे वालिद साहब बहुत बदल गए हैं। उनसे सिर्फ खानदान के लोग ही नहीं पूरा गांव खौफ खाता है। अजीब सा बर्ताव है उनका, पसंद आया तो खादिम को भी सर पर बिठा कर रखते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो शहनशाह को भी इज्जत नहीं देते। आज तक हमारे वालिद ने एक मर्तबा भी हमसे गुफ्तगू नहीं की है कृष। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा। ये है हमारे खानदान की तस्वीर। तुम्हारे वालिद ऐसे बैठे जैसे स्कूल में हेडमास्टर बैठते हैं। ये हमारे बड़े फूफा हैं सीनू, ये ताश के दीवाने हैं। ये है हमारी बड़ी फूफू कलावती, ये है उनके फर्जंद। ये है छोटे फूफा बासु,
15 साल कबल संक्रांति के रोज आए थे। अगले त्योहार को चला जाऊंगा ऐसा कहा था, पर देखो अभी तक यहीं रुके हैं। ये हमारी छोटी फूफू सावित्री, ये है मेरे बड़े चाचा, और ये है चाची, ये छोटे चाचा छोटी चाची, ये उनके बच्चे हैं। तुमसे एक बात पूछें, मधु और तुम्हें बकरे वाली तरकीब कैसे सूझ गई? हमारी नहीं कृष, ये तरकीब दादू की है। अच्छी तालीम हासिल करके जिंदगी में कुछ बेहतर करने का ख्याल रखने वाली लड़की को उस नालायक के हाथों सुपुर्द कर उस लड़की की जिंदगी तबाह करके तुम तमाशा देखना चाहते हो? उस लड़के में क्या खराबी है? और वैसे भी हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती है, और हमने रामेश्वर से वादा किया था कि उसके फरजंद की शादी में अपने दुख्तर से करवाऊंगा। हम तो बस अपना वादा निभा रहे। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है। ये तो तुम तब समझोगे जब उसकी लाश आएगी। क्या मतलब? भूमि शहर में किसी लड़के से मोहब्बत करती है। ओहो, तो दादाजी अव्वल दर्जे के अदाकार हैं। वैसे तो हम सबको मैनेज कर लेंगे, लेकिन मालूम होता है हेडमास्टर को संभालने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। शादी की बात तो बचपन से करते आए हो, लेकिन शादी कब करवाओगे? अगर आप कहें तो आने वाले फागुन के माह में शहनाई बजवा दूं। हम उसका शहरा बांधकर उसकी बारात निकालने के लिए नहीं बुला रहे हैं, चेहरे पे कालिख पोतकर भगाने के लिए बुला रहे हैं। उससे शादी नहीं करनी है ऐसा हम भूमि से बुलवाएंगे। वह बड़ी हो गई है, कल को घर छोड़ के भाग जाएगी तो हम क्या कर देंगे? तुम्हें तो मालूम ही है कि दो मोहब्बत करने वालों को किस तरह जुदा किया जा सकता है। हम इतने सारे अफराद हैं, जब वो तशरीफ लाएगा तो हम सब उसके साथ दुश्मनों की मानिंद बर्ताव करेंगे। उसके बाद वो खुद ही भूमि को ठुकरा कर यहाँ से चला जाएगा, और भूमि हमारे पास ही रहेगी। ये है हमारा मंसूबा। कोई बम नहीं फूटा है, बस का टायर फट गया है। गाड़ी का टायर यहाँ फटा है, मतलब सबका काम तमाम। इस गांव में क्यों उतर रहे हैं? जान गंवानी है क्या? ये कौन लंगूर है बे जो हमारे गांव में उतरा है? किस गांव में रहता है? इस गांव में उतरने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इस लड़के ने हमारे गांव के लड़के को मारा। हथियार निकालो, निकालो, निकालो। क्रिश, क्रिश, हमें फसाद नहीं करना है। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। कौन है वो जिसने हमारे मुलाजिम पर हाथ डाला? हम हैं। उसकी वजह? बस का टायर फट गया था, नीचे सिगरेट पीने के लिए उतरे तो हमारे गिरेबान पर हाथ डाला, हमको अच्छा नहीं लगा इसलिए मार दिया। हमारे आने में एक मिनट की और देरी हो जाती तो तुम्हारा क्या हश्र होता? इल्म है? उसी की तरह और 10 अफराद धूल चाट रहे होते। लेकिन तुम किसके घर जा रहे थे? सत्य प्रकाश जी के घर पर। पकड़ कर बांध दो इसको, इसे छुड़ाने के लिए गांव वाले आते हैं या घर वाले, देखना है मुझे। भाई, हमारे गांव में आने वाली बस को उन लोगों ने रोक लिया है। रुक जाओ। इस मर्तबा तो तुम बच गए, लेकिन ख्याल रहे वहां से वापस जाने के लिए तुम्हें इसी गांव से गुजरना होगा। तुम्हारे रूबरू खड़ा होने की भी जिसकी औकात नहीं थी, आज वो तुमसे नजर मिलाकर बात कर रहा है। हुँ।
वृंदावन, नाम तो अच्छा है। मालकिन, वो लोग आ गए। अच्छा बाबूजी, बच्चे लोग आ गए। क्या कहा? क्या छोटी चाची, खैरियत से है ना? ओहो हो, क्या फूफा जी, क्या खेल रहे थे, रमी या तीन पत्ता? ओहो हो, दादाजी साष्टांग प्रणाम प्रभु जी। अब देखो हम कैसे बंदर का नाच नचाते हैं। इल्म हुआ कि तुमने गांव वालों को मारा है? क्या तुम इतने बड़े जिगर वाले हो? ये तो मार खाने वाला ही बता सकता है कि हमारा जिगर कितना बड़ा है। वैसे आजकल हमने हाथ उठाना बिल्कुल कम कर दिया है, कबले हमारा ये सब खास शौक था, लेकिन अब सुधर गए हैं। तुम्हारा नाम क्या कर्ण है? जी नहीं, कृष्ण, अर्जुन के सारथी, लेकिन लोग प्यार से हमें क्रेश बुलाते हैं। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे बड़े कंपनी में एक छोटे से क्लर्क हैं। तो तुम एक कलर के लड़के हो? हम गरीब खानदान से हैं। शहर में और भी लड़कियों के होते हुए तुमने हमारी दुख्तर से ही क्यों प्यार किया? ये एक ऐसा सवाल कर रहे हैं आप हमसे। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन जिस लड़की से हम मोहब्बत करते हैं आप उसके वालिद क्यों हैं? ये सवाल हम पूछे आपसे। अरे मेरे शेर, तू असल मर्द है, ये हुआ ना नहले पे दहला। तुम काम क्या करते हो? आपकी दुख्तर से मोहब्बत करते हैं, ये जो करती है वही हम भी करते हैं। क्या देखकर तुमने इसे पसंद किया? पसंद करने की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन कोई वजह होगी तभी तो पसंद किया होगा ना। अरे ये मामला इनका है, इससे तुम्हें क्या मतलब? लेके जाओ इसे अंदर। शुक्रिया जनाब, फिर मुलाकात होगी दादाजी। रे बाप रे, कृष्ण, वो मैं तुम्हारे वालिद से मुखातिब होकर हमें इल्म हो गया था कि हमारी ऐसी खास खातिरदारी होने वाली है। हमारे वालिद साहब के बर्ताव के लिए हम माफी चाहते हैं कृष। हम जैसे खूबसूरत नौजवान को साथ तो ले आई हो, लेकिन इतनी जल्दी कोई दामाद कबूल तो नहीं करेगा ना। सब लोग ऐसे ही होते हैं, कब्ल गरजते हैं उसके बाद बरस जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर? सुनो, हमारी माशूका का चेहरा हमेशा फूल की मानिंद दमकता रहना चाहिए। हमारे वालिद ये कहते हैं, हंसो और हंसाते रहो। ये हुई ना बात, लड़कियों के मुस्कुराहट पर लड़के कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। सबका चेहरा तो देख लिया, लेकिन उसका चेहरा कहीं नजर नहीं आया। किसका? वही जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तुम्हारा होने वाला। तुम्हारी बहन हामिला है तो उसके बच्चे गिराने का खर्चा हम अदा कर देंगे। पैसे जबान बंद करने के लिए दिया था, कर्ज समझ कर रखने के लिए नहीं। हमारी बहन से शादी का वायदा करके तुमने उसे धोखा दिया है। जब हमने कपड़ा पहनना नहीं सीखा था तब से हमारी और भूमि का रिश्ता ये पूरा गांव जानता है। अगर तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत उछाली तो हम उसका हश्र मौत से बदतर कर देंगे। तुम्हारी बहन हमारे साथ सोई थी तो इंसाफ मांगने हमारे पास आना चाहिए था। तुम्हें हमारे ससुर के पास जाने की क्या जरूरत थी? आज जाकर अपनी बहन का बच्चा गिरवा दो, नहीं तो हम तुम्हारी बहन कुएं में गिर गई ऐसा अफवाह फैला देंगे। भाई, बाहर आपके मुतालिक कोई पूछ रहा है। भाई हमने तो सोचा था कि देखने में मशखरे की मानी दोगे, लेकिन नहीं, हट्टे कट्टे लग रहे हो। कौन हो तुम? तुम्हारे साथ पढ़े हैं भाई, नहीं समझे क्या? जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ फेरे लेने वाले असली दूल्हे हैं हम। भूमि, गलती कर रहे हो तुम। यहाँ आने से कबल तुझे हमारे मुतालिक मालूमात कर लेना चाहिए था। लोग अक्सर हमारे मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें लोगों के मुतालिक जानने की आदत नहीं है।
जैसे ही हम यहाँ आएंगे तुम हमारे पीछे पड़ोगे, ये बात हमें बखूबी मालूम थी, इसलिए तुम्हें एक छोटा सा तारुफ कराने के लिए हम खुद यहाँ पर आ गए। आज से तुम भूमि को भूल जाओ, वो हमारी है। इल्म है तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कोशिश तो करो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। चलता हूँ भाई, भूमि के शौहर का बारह दिन। अरे नहीं नहीं बेटा। क्या हुआ प्यारे? शहर में रहने वाला लड़का पिज्जा बर्गर खाता है, उसमें ताकत कहाँ होगी, यही सोचकर तुम उसे खौफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना। अगर असल में मर्द का बच्चा हो तो कुछ करके दिखाओ, अपने दोस्तों को भी बुला लो, फिर देखो पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या करता है। सांप की बोटी बोटी कर दूंगा। चलो भूमि। आपने हमें क्यों रोका पिताजी? भूमि के सामने उसे जिंदा दफन कर देता। इस वक्त अगर तुम कुछ भी करोगे ना तो भूमि के वालिद को इल्म हो जाएगा। वो तुम्हें यहाँ पर भड़काने के लिए आया था। भूमि के वालिद के मरने के बाद वो हमारे चंगुल में होगा। जरा सब्र करो। ओहो दादाजी, आइए दादाजी, अपनी पोती की खुशी के लिए आपने जो ड्रामा किया है वो हमें बेहद पसंद आया, लेकिन आपकी पोती की जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा आपने कभी सोचा है दादाजी? अरे वहां पर क्यों खड़े हैं, आइए ना दादाजी। खौफ बेटा, खौफ। कृष्णा, अगर तुम तशरीफ नहीं लाते तो हमारी पोती की जिंदगी तबाह हो जाती, इसलिए ये खेल खेला हमने। जब भी हम सोचते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। भूमि वो हकीकत में अपने नाम के मानिंद है, उसके कलेजे में ज्वालामुखी उबलता रहता है बेटा, उसके बाद भी वो किसी को एहसास नहीं होने देती। भूमि ने हमें यहाँ के मुतालिक कब्ल पहले ही सब कुछ बता दिया है, उसने आपके मुतालिक भी बता दिया है, लेकिन दादाजी आपके फर्जंद को कोई समझा नहीं पा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाहते हैं। अरे वो बेहद जिद्दी है, क्या बताऊं, उसको कोई बात समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक ही बात है, ऐसा हिम्मत वाला काम आज तक हमने कभी नहीं किया। दादाजी हाँ? ये आप क्या फरमा रहे हैं? हाँ, जब तुम यहाँ आए थे वो गांव ये गांव दोनों के दरमियान पुल, दोनों के दरमियान खंजरबाजी मार काट, उन दोनों की माँ यकीनन अलग है लेकिन पिता सिर्फ एक है और वो हम हैं। वो दोनों आपकी ही औलाद हैं? हाँ बेटा। खैर छोड़ो, हमारी दास्तान सुनकर तुम क्या करोगे, अब तुम्हारी बात की जाए। अब वही तुम्हारे वालिद दफ्तर में क्लर्क हैं, बहुत गरीब हैं, शहर में कोई झोपड़पट्टी में रहते हैं। देखो ये घर हमारा बनाया हुआ है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक यहाँ हो आराम से रहो, खर्च के लिए पैसे नहीं हैं तो फिक्र मत करना, हम हैं ना, 500 रुपये रखो, ये खर्च हो जाए तो फिर हमसे मांग लेना, हम तुम्हें देंगे। हाँ। लेकिन हाँ, हमारी एक गुजारिश है, इस जहन्नुम से भूमि की हिफाजत करो बेटा। दादाजी से 500 रुपया तो ऐड लिए हो, भूमि से कितना ऐड लिए हो? ए, यू, अब जाकर जाल में फंसा है बकरा। क्या पता कि तुम नकली हो या फिर असली हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से ऐसे भगाएंगे कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे भाई, हाथ लगाकर गुफ्तगु ना करना, मुंह में जबान है कि नहीं? वॉच भाई, ये घड़ी गैर मुल्की है। गैर मुल्की है तो क्या हुआ, हमारे हाथ में नहीं रुकेगी क्या? हाथ से कूद कर भाग जाएगी क्या? एक घुसा मारेंगे तो नवाबी निकल जाएगी। इधर आओ। नए नए पैटर्न की शर्ट चोर बाजार से लाए हो या फिर मांग कर लेकर आए हो? अरे इस बात का इल्म अगर हमारे घर वालों को हो गया ना तो तेरा क्या हश्र होगा। इसका इल्म भी है, घर वाले हमारी जान ले लेंगे। भाई साहब ये हमारी कमीज है, एक घूसा देंगे ना तो सारी बत्तीसी मुंह से बाहर निकल के फर्श पर नाचने लग जाएगी। अब तुम एक काम करो, सारा कुछ पैक करके तैयार हो जाओ यहाँ से जाने के लिए। सब कुछ तो तुमने ले लिया, पैक करने के लिए बचा गया? मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारी दोनों आंखें निकाल के मोहल्ले के बच्चों को दे दूंगा गोली खेलने के लिए, याद रखना। काफी सस्ते संवरते हो तुम, अब तो इन सारी चीजों की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ आज रात के ही इस गांव के मेहमान हो। कल मामा जी जैसे ही गांव में लौटेंगे
अरे हाँ, मामा जी आज की रात तो गांव में है ही नहीं। ए, सारा सामान पैक कर लो, सुबह होते ही गांव से निकल जाना, नजर नहीं आना, समझ गए ना? काफी वाहिद हैं ये। या! इतना परेशान करने पर भी तुम फरार नहीं हुए, निहायती बेशर्म किस्म के हो तुम। जल्दी सामान उठाकर दफा हो जा, चल। वो क्या है ना भाई साहब, हम पूरी रात शूटिंग शूटिंग किस चीज की? नौटंकी की या खौफनाक फिल्म की? दोनों की कर रहे थे। फिर हमको भी शूट करके बताओ, बताओ बताओ, चलो बताओ। बात यह है कि पूरी फिल्म कबल ही बन चुकी है। हमसे भी ज्यादा होशियार मिल गया था क्या तुमको? दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ, चलो। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारी खातिर दुबई से तोहफा लाया हूँ। ये क्या लाए हो? अरे रुको, जरा सब्र करो हमारी जान, हमें एक बकरा मिल गया है। मामा को ऐसी पट्टी पर हमारी सारी जमीन जायदाद हमारे नाम कर देंगे। जायदाद को बेच के तुम्हारी खातिर एक महल बनवाऊंगा, उस महल में हम दोनों करेंगे प्यार। अरे बाप रे, जिसको नंगा करने का सोचा था उसने हमें नंगा कर दिया। देखो भाई, पोशाक पर जरा भी दाग हमने नहीं लगने दिया है, जैसा लेकर गए थे वैसा ही वापस कर रहे हैं। और ये तुम्हारी गैर मुल्की घड़ी तुम्हारे हाथ में अच्छी लगेगी भाई। ए, तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? हम डबल गेम खेलते हैं, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हूँ। लेकिन ये क्या है? डीवीडी है भाई, जिस करामात की वीडियो आपने तोड़ दी वो इसमें भी है। और 10-20 डीवीडी भी है। हमें माफ कर दीजिए भाई। क्या बे बंदर, अभी से टाइटा फेस और कुछ दिखाऊंगी भाई? जिस पर कच्चा तो रहने दो, थोड़ी तो इज्जत बख्श दो। थोड़ी देर कबल तो तू बड़ी बड़ी डिंगे आ रहा था। नहीं 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 भाई, हमारी आँख निकाल कर गोटी खेलोगे? नहीं भाई, हम तो मस्खरी कर रहे थे। कबल तो कह रहे थे कि एक थप्पड़ में नवाबी निकाल दोगे, अब नहीं उतारोगे? अरे भाई, आपकी नहीं अपनी नवाबी उतारने की बात कर रहे थे। बंदर, ज्यादा अदाकारी ना करो, कोई खिताब हासिल नहीं होने वाला है। भाई आपने इतना बड़ा खिताब दे दिया, अब नहीं चाहिए। भीगे बिल्ली जी हुजूर, ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं किसी और के मुंह से भी लीक हुई ना जी हुजूर, तो इल्मा है क्या होगा? तुम्हारी पिक्चर थिएटर में रिलीज हो जाएगी। भैया हम बखूबी समझ गए, आज के बाद आपकी परेशानी हमारी परेशानी होगी भैया, हमारी परेशानी। कहाँ हो तुम? अरे थू, दफा हो जाओ यहाँ से। पापा भूमि, 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 भूमि। सबको इल्म होना चाहिए कि हम हकीकत के आशिक हैं, इसलिए ऐसा किया। अच्छा लगा ना? माशुक को कोई इस तरह से बुलाता है क्या? नहीं बुलाते, वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, वो तो ऐसे चीख कर बुलाती है। ओहो, उसे भी जरा काबू में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। अम्मा जल्दी से नाश्ता लाओ ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और कितना वक्त लगाओगी? अरे रे, अरे भैया आप तशरीफ ले आए, तशरीफ रखिए ना, नाश्ता कीजिए। क्या भैया, खौफज़दा हो या शर्मिंदा हो? हम खुद ही उलझन में हैं, ये आवाज अपने आप निकल रही है भैया। शुक्रिया भैया। मैं तुझे आज दो पराठे ही दूंगी। क्यों? सुनो, ये चांदी की प्लेट घर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। ये है बड़ी फूफू कलावती, जरा सी तारीफ करेंगे तो दरख पे जा बैठती हैं। आपको इल्म है, भूमि एक फूफू की काफी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि वो जीती जागती देवी। क्या बोल रही है? किसकी तारीफ कर रही थी? उनका नाम क्या था? कला अच्छा, कलावती तो जी बिल्कुल। इल्म है, वो फरमा रही थी कि जब तक कलावती फूफू को नहीं देख लिया तब तक खाना क्या पानी भी नहीं पीती। क्या फरमा रही थी? अरे पूछिए मत, वरना 3 किताबें भर जाएंगी। इस घर में हमें कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन कलावती फूफू यकीनन पसंद करेंगी, ये तयशुदा है। लेकिन अभी तक इल्म नहीं हुआ कलावती फूफू है कहाँ। क्रेश, अम्मा बस करो अम्मा। क्या हुआ? वो कलावती फूफू हम ही हैं। अरे बाप रे, तो आप ही हो वो साक्षात देवी? भूमि के रहते आप ये नाश्ता परोस रही हैं। भूमि, भूमि। अरे तुम रहने दो बेटा, तशरीफ रखो। क्या हुआ क्रेश? कुछ नहीं, तुम खामोश रहो, तुम नोश फरमाओ, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे लेकर आते हैं। हमारे खातिर भी ले आना। भाई आप कोई मामूली इंसान नहीं है, हमारी थाली का डोसा तरकीब लगाकर अपने थाली में ले लिया आपने। अगर हम आपको कोई नाम दे तो हमारे जहन में कृष्णा नाम ही आ रहा है। हाँ तो दे दो। भूमि, कृष किसी को पसंद आए या ना आए, हमें तो बेहद पसंद आ गया है। सुन, ये बात किसी और से मत कहना। हाँ कृष, तुम सुकून से खाओ, हम और दो पराठे लेकर आते हैं। हाँ
मालिक ये दोनों बैल ज़ईफ हो गए हैं, अब किसी काम के लायक नहीं बचे। इजाजत दे तो इन्हें फरोख्त कर दें। यहाँ कुछ लोग हैं जो बेकार बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं, और ये जो खेत जोत कर आए हैं तुम इन्हें फरोख्त करने को कह रहे हो? जब ऐसे अपराध यहाँ रह सकते हैं तो इन्हें भी ले जाओ, चारा खिलाओ। भैया, उन्होंने जो कहा वो हमारे बारे में कहा क्या? इसमें भी कोई शक है क्या? अगर तुम्हें बुरा लगा तो चले जाओ। हम क्यों जाए? अगर जाना जरूरी है तो आप जाओ। अभी परसों ही नई कमीज सिलवाई है हमने, अब इसे गोबर में खराब करने के लिए नहीं। फालतू की गपशप करने के लिए हम बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या फूफा जी, हम भी यहीं सेटल होने के लिए आए हैं। हमारा भी हक है, सब कुछ आपस में बांट लिया जाएगा। क्या बांटने की बात कर रहे हो? देखिए, आप लोग बगैर कोई काम किए आराम से बैठे रहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी आप लोगों की महफिल में शामिल हो जाए। एक से भले दो, दो से भले तीन। कबाब में हड्डी, हम पर रौब झाड़ने लगा तो सारी दौलत तन्हा हड़प लेगा, हमें मिलेगा सिर्फ घास फूस। इसे हम अपने जाल में फंसा लेते हैं। क्रेश, अगर तुम हमारे साथ मिल गए तो यहाँ पर तुम्हारी हिमायत में हम दोनों हमेशा हाजिर रहेंगे, और फिर जैसा हम लोग कहेंगे सबको मानना पड़ेगा। क्या कहते हो भाई साहब? हमने इसे नहीं बुलाया, ये खुद ही हमारे दरमियान आकर बेशरम। दरमियानी लोग कभी किसी के नहीं होते, जरा होशियार रहो। ठीक है भाई साहब। तुम कहाँ हो बेटा? वो हम परिंदों के दरमियान हैं पिताजी, और हाँ इस वक्त हम मसाई मारा में हैं पिताजी। ओके गुड। ए कृष्णा, वहाँ नेशनल सफारी नाम का एक बहुत बड़ा जू है, वहाँ देखने के लिए बहुत बड़े बड़े और नायाब परिंदे हैं, वो देखा? हाँ वही देख रहे हैं पिताजी। यहाँ हर कोई एक से बढ़कर एक है। वो देखते देखते वही ना रह जाना। आई मिस यू माई सन। आई मिस यू टू पिताजी। ख्याल रखना। अलविदा पिताजी। क्रिश, कॉफी। हमारे पिताजी ये सोच रहे हैं कि इस वक्त हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, और एक तुम हो कि अपना इतना सा गांव भी नहीं दिखाया हमें। माफ करना क्रिश, बस 5 मिनट अभी हाजिर हो। ओके ठीक है। ये सब आसपास के सारे खेत बाग बगी सब कुछ हमारा है। बहुत बड़ी जायदाद है। इस भूमि के दखल के लिए वो भूमि वाले फसाद कर रहे हैं, ये सब देखकर तुम्हारे क्या किसी के वालिद को भी गुस्सा आ जाएगा। शादी लायक लड़की को शादी से कब्ल घुमाने ले जाना, ये अच्छे घर के संस्कार है? दुनिया वाले कैसी कैसी बातें करेंगे, इसका अंदाजा है तुम्हें? और जिस लड़के से लड़की की शादी होने वाली है उसको घर से लाकर यहाँ बिठा दिया, ये सुनकर तो पूरी दुनिया इस खानदान की तारीफ करेगी ना। क्या बात है, 100% की बात कही है इसने। एक जवान लड़की को घर से बाहर ले जाने से कबल घर वालों से इजाजत लेनी चाहिए, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? तुमसे बोल के क्या फायदा, ये कसूर तुम्हें पैदा करने वालों का है। दिलीप। जी भैया। तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? कि तुम दोनों आशिक यहाँ दुबक कर क्यों बैठे हो? जाओ बाहर जाकर बाग बगीचे में घूम कर आ जाओ, मामा जी आएंगे तो हम उन्हें संभाल लेंगे, यही कहा था ना तुमने? ओ, हमने ऐसा कहा था क्या? ए, तुमने ऐसा कहा था क्या? ओ पिताजी, वो भाई साहब ने जो कुछ कहा समझ लीजिए हमने ही कहा था मामा जी। मालूम होता है गाल सुर्ख होने वाला है। अब तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्ली। हाँ भैया। तुम्हें ऐसे मार खाने की आदत हो गई है क्या? क्या करूं भाई साहब, आपको यहाँ से भगाने के लिए आपके कपड़े पैक कराने गया था। हमें 5 मिनट की मोहलत दीजिए, हम आपके सारे कपड़े अलमारी में सजा देते हैं भाई साहब। इस वक्त कौन परेशान कर रहा है? हमारी असल वाली माँ शुक्र, हम अभी हाजिर होते हैं। क्यों, वहीं सेटल हो गए क्या? सेटल हो गए? तुम एक मरतबा हाँ कह दो यहीं सेटल हो जाएंगे। जान ले लूंगी, कोई परेशानी? तुम्हें याद कर रहे हैं। एक काम करो, तुम भी यहाँ पर भूमि के पास आ जाओ ना, बहुत मजा आएगा। क्या इरादा है? ये हमारा आखिरी साल है, इम्तिहान के बाद वालिदैन से इजाजत लेकर वहाँ आने की कोशिश करेंगे। कबल मुझे तुम्हारे मुताबिक घर वालों को बताना पड़ेगा ना। क्रिश, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अलविदा। अलविदा। हे रतन। जी मालिक। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ, खेतों में यूरिया छींटने जाना है। ठीक है मालिक। सुन रहे हो है? कल पास के गांव में शादी है, हम में से कोई नहीं जा सकता, और तुम लोगों के पास ताश के अलावा और कोई काम नहीं है, इसलिए तुम दोनों दावत में चले जाओ, आते वक्त खाना भी बांध कर ले आना। चल रे, चल जल्दी कर जल्दी। ये चाचा जी किस पर बरस रहे थे? और किस पर, हमारे ऊपर ही ना। ये क्या फूफा जी, आप उनके बहनों ही हैं, आपकी इज्जत करने की जगह आप पर ऐसे बरस रहे थे? हाँ, देखा ना आपने, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम भिखारी हैं क्या? हम भी इसी घर के दामाद हैं। आज ये फैसला होकर रहेगा कि हमारी भी कोई इज्जत है। चलो नहीं, 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 नहीं,
तुम्हारे साथ हमें भी जाना पड़ेगा, संभल कर रहना होगा। हाँ कृष, परेशानी हो जाएगी। ये कैसी बात कर रहे हैं फूफा जी, यकीनन हम काम नहीं करते हैं, पड़े पड़े खाते रहते हैं, लेकिन आखिर हमें कोई ऐसे दुत्कार कैसे सकता है? बिल्कुल सही। हम यहाँ जरूरी मुबाहिसा कर रहे हैं, तुम्हें तमीज नहीं है? बाद में आके करो। खुजली करने की भी फुर्सत नहीं है मेरे पास, कितना काम पड़ा है। आप लोगों को गुफ्तगू करनी है तो अंदर जाकर कीजिए। ये जो फरमा रहा था ना, फरमा तो सही रहा था बेचारा, लेकिन प्यार से हमारी बेइज्जती करके चला गया वो। ये काम करता है ना, तभी सर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इसे नौकरी से निकाल दिया जाए ना तो भी ये कहीं और जाकर अपना पेट भर सकता है, इसलिए इतना अकड़ कर बात कर रहा है। पिताजी नोश फरमाने चलिए। आप लोगों की मुफ्तखोरी की फहरिस्त में ये भी शुमार है। हूबहू आपके नक्शे कदम पर गया है आपका फर्जंद। ऐसा कीजिए, किसी दौलतमंद शख्स की दुख्तर से इसकी शादी करवा दीजिए, फिर आप लोगों की मानी दैश करेगा, क्योंकि शादी की उम्र तो उसकी गुजर चुकी है और कुछ रोज के बाद आप लोग भी नहीं रहेंगे। वक्त रहते फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो इल्म है क्या होगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के। परेशान ना होइए, ये सब देखने के लिए आप लोग थोड़ी ना रहेंगे। हमारा ख्याल तो ये है, मुफ्त का चंदन घिस मोरे नंदन। ठीक है, इजाजत दीजिए, अब तो इन काहिलों को अकल आनी चाहिए। आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, मिट्टी पर रेंगने वाला कीड़ा भी अपना फर्ज निभाता है, जूठा खाने वाला कुत्ता भी अपने मालिक के लिए कुछ ना कुछ करता है वफादारी से। उससे भी गए गुजरे हैं आप लोग, लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे, जब जागो तभी सवेरा। कहते हैं कि मेहनत ही मर्द की मर्दानगी है, कोशिश करके देखिए, इससे बेहतर जिंदगी होगी। ए रतन जी मालिक, खेतों में यूरिया छिड़कना है, ट्रैक्टर कहाँ है? वो सब तो लेकर वो लोग खेत में चले गए मालिक। कौन गए? अरे और कौन, आपके दोनों जीजा। वो लोग खेत में गए हैं? दोनों खेत में गए हैं? दोनों दामाद खेत में गए हैं। देखिए मालिक, दोनों जीजा जी आ गए। हम दोनों ने खेतों में यूरिया डाल दिया है, दो बोरियां और चाहिए, बाजार जाओगे तो लेते आना। ठीक है जीजा जी। बिजली की मानी कड़कने वाला शबनम बन गया है, अब फल की फिक्र हम नहीं करेंगे, सिर्फ मेहनत करेंगे। आज से खेतों की जिम्मेदारी आप लोग ही संभालिए जीजा जी। किसी त्यौहार पर हमने अपने घर वालों को इतना खुश होते कभी नहीं देखा, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब किसके लिए कर रहे हो कृष? तुम्हारी खातिर भूमि, 3 घंटे में 300 मेहमान आते हैं, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई नहीं है। जैसे एक छोटे से काम के लिए तुम्हें मदद के लिए हमारे पास आना पड़ा, उसी तरह कल की जिंदगी में अगर तुम्हें कोई बड़ी परेशानी आई तो हम नहीं रहेंगे, यही लोग रहेंगे। घर का नाम है वृंदावन, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसे हुकूमत कंस की है। तुम्हारी शादी का मामला हल करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारे वालिद साहब हैं, लगता है उनको बदलना पड़ेगा। वो नहीं बदलेंगे कृष। यकीनन बदलेंगे, आखिर वो भी इंसानी तो है। दादाजी आओ बेटा आओ, तुम भी पियोगे? नहीं अभी नहीं, परेशान होते हैं तब पीते हैं। क्या बताऊं कृष्णा, जब तक हम पी नहीं लेते हमें नींद नहीं आती। नींद ही नहीं आती, ऐसी क्या परेशानी है? 6 माह यहाँ 6 माह वहाँ, हमारे बड़े लड़के के घर आए हुए 6 माह हो चुके हैं और आज यहाँ रहने का आखिरी दिन है। हमने किस वजह से ये फैसला लिया ये आज तक दोनों लड़के समझ नहीं पाए। राम और लक्ष्मण की तरह मिलजुल कर रहने के बजाय शैतानों के मानिंद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ये दोनों। ये दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी का बीज बोने वाला वो रामेश्वर है, और उसी के फर्जंद मेरी भूमि के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ से जाने के बाद अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बिटिया का क्या होगा? इन्हीं ख्यालों से हम मरे जा रहे हैं,
उस शैतान के हाथ में हमारी बिटिया का हाथ चला गया तो फिर आखिर क्या होगा? यही सोचकर बेटा दोनों भाइयों को मिलाने की कोशिश करो। दादाजी, भूमि रो मत बेटा, तुम रो मत। तुम बेटा, तुम्हारे वाले तुमसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि ऐसा न सोचना। वहां जाने के बाद अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हें दुश्मनी भुलाकर वहां आना ही होगा, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो और इसी नाते हमें मुखाग्नि देने जरूर आना बेटा, जरूर आना। चलते हैं। कृष्णा, तुम यहाँ कैसे आ गए? आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है दादाजी, और आज आप हमें ही तन्हा छोड़कर जा रहे हैं। आप हमें यकीनन छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारा बड़ा बेटा हमेशा तुम्हें वहाँ से भगाने के लिए सोचता है। अगर इस बात का इल्म उसे हो गया कि तुम हमारे साथ छोटी के घर आए हो तो तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। हम फौलाद से बने गेट हैं दादाजी, आसानी से कोई नहीं खोल सकते। खैर हमारी बात छोड़िए, लेकिन हमें आपकी पीने की आदत पसंद नहीं है। क्या? अगर आपके दोनों फर्जंद एक हो गए तो आप खुश हो जाएंगे ना? सिर्फ खुश? बेइंतहा खुश, बेइंतहा खुश। फिर हम जो कह रहे हैं वो करते जाइए। सब खैरियत पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। शिपा जी आइए। कृष्णा, हे, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बांध दो इसको। ये तुम्हारे भाई का होने वाला दामाद है। भाई ही नहीं तो दामाद कैसा? एक मर्तबा ये मेरे हाथों से बचकर निकल गया था। अरे तुम्हारा भाई इससे बेहद नफरत करता है। रुक जाओ। क्या फरमाया आपने? तुम्हारे भाई को इसकी शक्ल से भी नफरत है, इसे देखते ही उसको सांप सूंघ जाता है। दुश्मन का दुश्मन मतलब मेरा दोस्त, फिर उधर क्यों खड़े हो? चलो तो शरीफ ले आओ। बहू रानी। जी पिताजी। कृष्णा, ये है हमारी छोटी बहू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये भी हमारी जमात में है। हमारे दोनों बेटों का खानदान कब एक होगा, बस इसी इंतजार में है ये हमारी बच्ची। पिताजी, हम खाना बनाने जा रहे हैं। जाओ बेटी जाओ। सुनो, तुम यहाँ तशरीफ लाए हो, उन्हें इल्म है? ऐसा कभी मुमकिन है क्या? उड़ते परिंदों के पंख गिनने वाला है वो। अगर इल्म नहीं भी है तो खुद ही बता देना, तुम तशरीफ लाए थे और साथ में खाना भी खाया। भूमि, भूमि, वो इस घर के दुश्मन की दहलीज पे गया है। वहाँ जाने से कबल उसे इस घर के कायदे कानून के मुतालिक इल्म होना चाहिए था। वहाँ जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इल्म नहीं है क्या? जो भी इस घर के कायदे कानून को तोड़ता है उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये दिखावटी नाराजगी है या फिर उस लड़के को निकालने का मंसूबा? ये क्या है कृष, तुम क्या पापा के गुस्से का इम्तिहान ले रहे हो? मतलब तुम्हारे पिताजी को गुस्सा आया? ये हम पर नाराज हो रहे थे? बात को समझो भूमि, इस घर का या तो चाहने वाला हो या इस घर का कोई रुकन होकर अगर उस घर में जाए तो इस घर वालों को गुस्सा तो आना ही चाहिए, वरना दुश्मनी कैसी? हमारे वहाँ जाने से इन्हें गुस्सा आया, मतलब हम इनके दिल में जगह बना चुके हैं। कैसे जबान सिल्दीन की? सही कह रहे हो। और नहीं तो क्या? Thank you.
वहाँ क्यों गए थे क्रिश? तुम्हारे दादाजी की खातिर। क्रिश का सारा सामान पैक कर दिया है बाबा जी, आज यहाँ उसके रहने की मुराद मुकम्मल हो गई। आप कहें तो हम उसकी बोटी बोटी। हमें यहाँ से दफा करने की बड़ी जल्दबाजी है तुम्हें? हमारे जाने से खुश हो जाओगे क्या? अरे नहीं, आपकी कसम बिल्कुल नहीं भाई। इस मर्तबा आप बिना बताए घर से बाहर गए थे, ये बात हमने मामा जी को बताई नहीं थी। क्या करे, आदत से मजबूर है ना। वादा करता हूँ आइंदा कभी गांव वालों की बात में नहीं आऊंगा, किसी की भी बात नहीं मानूंगा, अगली मर्तबा सिर्फ आपकी बात मानूंगा। हमें 2 मिनट की मोहलत दीजिए भाई, आपका सारा सामान फिर से वहीं पर हम सेट कर देते हैं। शुक्रिया भाई। दीदी, लड़के बदनाम नहीं होते, बदनाम होती है लड़कियाँ। हम मान ही नहीं सकते, अपनी भूमि को ही देख लो, उसने क्रिश का कभी हाथ तक नहीं पकड़ा। किसकी बदनामी की बात हो रही है? भूमि, तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान का आगाज कैसे हुआ, अब फटाफट बता दो। मैं अपनी मोहब्बत की दास्तान कैसे सुनाऊं? बताओ ना बेटा, तुम्हारी मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ? वो एक रोज हम बस स्टॉप पे खड़े थे। ए भूमि, तुम वहाँ तन्हा थी? तन्हा नहीं, मेरे साथ आप लोग जैसे सहेलियां थी। फिर क्या हुआ? उस वक्त एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी, उसमें क्रिश था। ए, वो तो कह रहा था कि वो क्लर्क का बेटा है। हमारा मतलब है, उस गाड़ी के बगल में एक स्कूटर भी था, उस पर क्रिश बैठा हुआ था। उस रोज हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो रोज वहाँ से गुजरता था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान कैसे शुरू हुई? जैसे ही रोज वो गिर गया। अरे बाप रे, वो गिर गया क्या? मोहब्बत में। अरे बाप रे, जिस रोज से तुम्हारा दीदार हुआ है, हमारी रातों की नींद उड़ गई है, और रोज की तरह तुम्हें हमारे ख्वाबों में आना होता है, इसलिए मजबूरी में सोना पड़ता है। हम मर जाना चाहते थे, फिर ख्याल आया तुम तन्हा हो जाओगी, बस इसीलिए जिंदा है। लेकिन तुम इनकार करोगी तो हम इसी वक्त अपनी जान दे देंगे। प्लीज। वो रोज मेरे दीदार को आता था, इसलिए मैं राजी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अब मोहब्बत होने के बाद क्या होता है, आप लोगों को इल्म नहीं है क्या? अरे बाप रे बाप रे बाप, कैसी लूट खसोट मची हुई है। क्या खास खबर है दादाजी? बेटा, इस कलयुग में पैसे की कोई अहमियत नहीं है। टाटा बिरला दिवालिया हो गए क्या? अरे ऐसा ही एक शख्स है, देवेंद्र, दुबई में 4,000 करोड़ का गबन करके एक स्टील प्लांट खरीद लिया उसने। दादाजी, अगर आप उनको ऐसा वैसा कुछ कहेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ऐसा क्यों? अगर आपके पिताजी को कोई ऐसा कहे तो उसकी हम सामान खींच लेंगे। मतलब ये हमारे पिताजी। गलती हो गई बेटा। अरे उस रोज तुम्हें 500 रुपए दिए थे ना, चलो इज्जत से वापस करो। कैसे 500 रुपए? ये कहाँ की शराफत हुई? ये कहाँ की शराफत हुई मतलब? क्या बात है पिताजी, कैसे 500 रुपए? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम ये फरमा रहे थे कि अगर ये हमें शतरंज में हरा देगा तो हम इसे 500 रुपए दे देंगे। इतने में तुम आ गए। आपसे शर्त लगाया, खेल कर देखते हैं। मालिक नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? फर्जंद की तालीम कैसे चल रही है? सब आपकी मेहरबानी है मालिक। क्या तालीम ले रहे हो? MBA कर रहे हैं बड़े भाई। तुम कैसी तालीम ले रहे हो इसका इल्म तो मुझे नहीं, लेकिन तुम्हारे वालिद के चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। खाना हो गया? हो गया भाई। ठीक है ठीक है, चलो जाओ। चलते हैं बड़े मालिक। घर में काम करने वालों का तो आप इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर सगे भाई से इतनी नाराजगी किस बात की? किस भाई का जिक्र कर रहे हो? जिसने आपके पिताजी को वहां से यहाँ आपके पास भिजवाया है, उन्हें की। कोई भाई भाई नहीं है हमारा। हमारे पिताजी को हमसे फासला कराने वाला हमारा भाई कैसे हो सकता है? इनके लिए वो सिर्फ एक फर्जंद है। हमारे जिसमें एक ही खून होने के बावजूद हमें घर से बेइज्जत करके निकालने वाले को हम अपना भाई कैसे माने? भाई ऐसा होता है? रिश्तेदार, घर, खानदान होने के बावजूद हम यतीमों से जिंदगी जी रहे, ये कैसे भूल सकते हैं? आग चल रही है हमारे सीने में। हमारी बीवी जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन जब वो दहलीज पर पहुंची तो उसकी आरती उतारने के लिए खातून तक नहीं भेजा उस जालिम ने। जहरीला नाग है वो, हमारे सामने उसका जिक्र नहीं करना। इस दुनिया में हमारा सुख दुख में साथ देने वाली हमारी बीवी है, 6 माह में हाल चाल पूछने वाले हमारे साथ रहने वाले पिताजी हैं, अच्छे बुरे वक्त में सहारा देने वाला पूरा गांव है, और कोई नहीं है। Thank you.
भाई वो इसी बस में जा रहा है। ससुर जी तो सिर्फ बकवास करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उसे वहीं काट डालो। ये दोनों गांव के दरमियान की दुश्मनी लगनी चाहिए। अरे अरे खिलौना नीचे गिर गया। गाड़ी पीछे ले नहीं तो मार डालेगा वो। पीछे खाई है रास्ता नहीं है, बिना मौत के मर जाओगे। अरे खाई है तो भी बचने की गुंजाइश है। तू चल। Thank you.
किसने कोशिश की तुम्हें मारने की? मुमकिन है आप ही हो। आपकी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता, हमें अच्छे से मालूम है। इसलिए हमें ऐसा लगा था कि हम पर जो हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। वैसे तुम्हें हमारे मुतालिक काफी कुछ इल्म हो चुका है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। भूमि की हिफाजत तुम ही कर सकते हो, अपनी कीमत बताओ। आपको अपने दुख्तर के लिए जो मोहब्बत है उसकी जो कीमत है वही कीमत है। अपनी भूमि की तरह हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले और ना ही उसकी शादी तुमसे करवाएंगे। इसलिए यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन भूमि तो हमसे मोहब्बत करती है। क्योंकि वो ना समझ है। वो भी आप पर ही गई है, लेकिन हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। क्रिश, तुम पर हमला हुआ इसका इल्म भूमि को हरगिज नहीं होना चाहिए। जनाब, आप हमेशा कहते हैं कि हम है ना, हम है ना, हम है ना। आज के बाद से ये मुकालमा तो हमारा होना चाहिए। क्रिश, क्रिश, तुम पर जो हमला हुआ है हमारे वालिद ने ही करवाया है। पागलों की मानिंद बात ना करो भूमि। नहीं क्रिश, ये खेल खत्म हुआ, अब तुम चले जाओ प्लीज। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इसलिए तुम में हिम्मत थी और तुम यहाँ पर आई हो। वही हिम्मत हमारे बगैर तुम्हारे अंदर देख लेंगे तो वापस चले जाएंगे। तुम किसी की बात क्यों नहीं मानते क्रिश? देखो, यहाँ कोई नहीं बदलेगा। मान लो सब कुछ बदल भी गया तो भी हमारे वालिद तुम पसंद नहीं करेंगे। यही बात तो हम भी चाहते हैं भूमि। तुम्हारे पिताजी को बदलना ही पड़ेगा, लेकिन हमसे शादी कराने के लिए नहीं। तुमने तो कहा था ना, हम उन्हें पसंद आ गए तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। फर्ज करो कि हम उन्हें पसंद आ गए हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा हुआ तो तुम्हारी सहेली हमारा सर कलम कर देगी। ये उस गांव का है, हमारे गांव के लड़की को भगा कर ले जा रहा था ये। तुम भी इससे मोहब्बत करती हो क्या? करती हो क्या? तो ये बात अपने घर वालों से बताने की जगह तुम लोग यूं फरार क्यों हो रहे थे? अगर इस लड़के से शादी करेंगे तो हम इसे जिंदा दफन कर देंगे। तुम इसकी हिमायत मत करो। इसलिए ये लोग फरार हो रहे थे। उस गांव और इस गांव के दरमियान जो दुश्मनी है उसके मुतालिक तुम्हें जरा भी इल्म नहीं। तुम लोग उस गांव वालों से इतनी नफरत क्यों करते हो? दो भाइयों की आपसी रंजिश को पूरे गाँव में फैला कर उस दुश्मनी की आग में रोटी सेंकने वाले तुम्हारे जैसे खुदगर्ज इंसान को इंसानियत के रिश्ते की समझ नहीं है तो फिर मोहब्बत के रिश्ते की क्या होगी? खुद से पूछो कि कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। जैसे इंसान अपने खुदगर्जी को पूरा करने के लिए किसी भी इंसान की कुर्बानी दे सकता है, चाहे फिर वो तुम्हारी वालदा हो या दुख्तर ही क्यों ना हो। तुम्हें इल्म है तुम्हारी गलती क्या है? तुम उस गांव के हो। चलो भाई, वो जा रहा है, दोबारा हमें हासिल नहीं होगा। आप हाँ कहिए तो उसे जमीन में दफन कर देंगे। किसने बोला ये? कौन है वो? अगर मर्द है तो रूबरू आ जाओ, चाहे पूरा गांव एक साथ हो जाए, हम इस लड़के के साथ हैं। जिसे अपनी जिंदगी प्यारी ना हो वो आगे आए। एक मर्तबा हम जो फैसला ले लेते हैं उसे मुकम्मल करते हैं। ताकत है तो रोक कर दिखाओ। हमारे गांव के लड़के पर उन लोगों ने हाथ डाला है, काट डालूंगा सबको। हट जाओ सामने से। रवि, 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 ये क्या हो गया बेटा? बेटा ये क्या हो गया? तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके जिस्म पर लगे एक एक जख्म के बदले उन लोगों को अपने हाथ पैर गंवाने होंगे। सिर्फ इतना ही जनाब, उन लोगों का सर कलम नहीं करेंगे। इस लड़के की इस हालत के लिए सिर्फ वो लोग ही नहीं, आप भी जिम्मेदार हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपना सर काटेंगे, पैर काटेंगे या फिर पूरा जिस्म काट डालेंगे?
आप खुद को लड़के का बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए आपको इसकी हालत पर बेहद तकलीफ हो रही है ना। लेकिन इसकी असली वजह मालूम है? इसने जो इज्जत और प्यार आपको दिया है, उसे कोई मिट्टी में ना मिला दे, इसका डर है इसे। आप सोचते हैं कि जिंदगी में यह आगे चलकर कुछ बनेगा। जो इंसान अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता, वो जिंदगी में क्या हासिल करेगा? इसकी परवरिश आपकी वजह से हो रही है, तो इसे सजा देने का हक भी सिर्फ आपको ही है। बड़े भाई के तौर पर आप इसकी मोहब्बत दिलाएंगे या फिर इसकी मोहब्बत के दुश्मन बनेंगे, फैसला आपके हाथ में है जनाब। नहीं, नहीं, इस घर का दामाद बनने की एक भी खासियत नहीं है उसमें। क्या सोचकर तुमने उससे मोहब्बत की? तुम्हें उसे भुलाना पड़ेगा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आओ आओ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अपने आप को समझते क्या हो तुम? अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तुम्हें यही घर मिला था। 25 सालों में जिस घर की कोई ईंट भी नहीं हिला सका, उस घर में आके तुमने उस घर की नींव हिला डाली। खुद को समझता क्या है तू? तुम इस घर में हो इसलिए तुम्हारी सांसें चल रही हैं, नहीं तो कब का तुम्हारा खेल खत्म हो गया होता। तुमसे हम इतनी नफरत करते हैं, फिर भी तुम बेशर्म की तरह इस घर में पड़े हो। क्या वाकई में तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है? छी, तुम्हारी मीठी मीठी बात और मासूम शक्ल से मेरी दुख्तर बहक गई है। लेकिन इस घर में दामाद बनने के लिए सिर्फ उसकी पसंद ही काफी नहीं है। इनको पसंद आना चाहिए, इन सबको पसंद आना चाहिए, हमें पसंद आना चाहिए, इतना ही नहीं पूरे गांव को पसंद आना चाहिए। लेकिन तुम किसी को पसंद नहीं आए। कान खोलकर सुन लो, हमारी दुख्तर और हमारे घर वालों पे सिर्फ हमारा ही हुक्म चलता है। इस घर की इज्जत को बचाने के लिए जिसके अंदर हिम्मत होगी वही इस घर का दामाद बन सकता है, तुम्हारे जैसा नायक नहीं। बस कीजिए, बहुत हो गया भाई साहब। इनके रिश्ते के मुतालिक हमारी और सबकी क्या राय इल्म है? आप सिर्फ नफरत की बात करते हैं, प्यार क्या होता है ये सिर्फ हमें ही मालूम है। अपनी दुख्तर के हाथ पीले करके उसे खुशी से जिंदगी बसर करने देना नहीं चाहते। लेकिन हमारी गलतियों को सुधार कर सही रास्ते पर लेकर आने वाला अकलमंद और होशियार लड़का है ये। इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं आपको अभी तक कोई इल्म नहीं। फूफा जी, वो आपसे बड़े हैं, आप ऐसी बात ए, किसको बड़ा कह रहे हो? इनके जैसे लोग बड़े नहीं हो सकते, इनके पास दिल ही नहीं है। क्या हुआ, मुँह से आवाज नहीं निकल रही है? मुझे भी घर से निकालना है। आज तक आपकी रहम पर ही जिंदगी बसर की है, अब अगर निकाल भी दिए तो मेहनत करके जिंदगी बसर करने की हिम्मत हम में भी आ गई है। और ये हिम्मत देने वाला मालूम है कौन है? ये कृष्णा, ऐसा है ये लड़का। क्या भाई साहब, आपके पैरों की जूती थे ना हम लोग? हम लोग तो इस घर के दामाद हैं, पड़े पड़े खाते थे, लेकिन घर तोड़ने की कोशिश कभी नहीं की। आपका घर तोड़ने की कोशिश की आपके दोस्त रामेश्वर ने, और उसके बेटे को दामाद बनाओगे? लेकिन ये घर यानी कि वृंदावन को अगर किसी ने बचाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि ये कृष है, और आप इसे घर का दामाद बनने के लायक नहीं समझ रहे। बड़े भैया, भूमि जिस लड़के की मोहब्बत पर एतबार करके आपके पास लेकर आई थी, उसको हम भी नफरत को भुलाकर प्यार करने लगे। हमारे प्यार का सबक दिलाने वाले कृष को हम कभी नहीं भुला सकते। बड़े भाई, आपकी बात से हम और पूरे गांव वाले हमेशा से मुत्तफिक होते आ रहे हैं। आपकी परछाई को भी कभी पार नहीं किया, इसलिए हम हकीकत कह रहे हैं। इस पूरे गांव में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सब लोग कहते हैं अपनी भूमि के लिए इससे बेहतर लड़का दूसरा नहीं मिलेगा। भूमि की खुशहाली के खातिर इसे अपने खानदान का हिस्सा बना लेना चाहिए भैया। जनाब 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 जनाब, इन लोगों की बातों को आप दिल पर नहीं लीजिए जनाब। जनाब, ये हमारे जैसे नालायक की बातों में आकर आपको कुछ हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। नालायक तुम नहीं हो, मैं। अपने बच्ची की मोहब्बत की हमने कद्र नहीं की, उसकी पसंद को पसंद नहीं करता, ये सब झूठ है। हमें बहकाकर इस बात के लिए मजबूर किया गया था ताकि हम तुम्हारे खिलाफ रहें। तुम किसी को पसंद नहीं हो, हमें पसंद नहीं हो, ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा था मालूम है? वो प्रीतम कभी भी तुम्हारी जान ले सकता था, इसी डर से कहता था। इसलिए हमें जानबूझ के ड्रामा करना पड़ा। भूमि जब 2 साल की थी तभी उसकी वालिदा उसे छोड़कर गुजर गई। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा है और वो है मेरी गुड़िया। यही है मेरी जान।
ये हमसे कहीं दूर रह चली जाए, इसीलिए हमने इस पे पाबंदी लगाई। अपनी सगी बहन को अपनी नजरों से दूर नहीं रख सकते थे हम, इसलिए सबको अपने पास रखा। अपनी बेटी की मोहब्बत मुखालफत करने के लिए हम हिटलर की शक्ल तैयार किए। और ये सब हमने इस डर से किया कि कहीं हमारी दुख्तर हमारी नजरों के सामने से दूर न चली जाए। इन लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करके तुम्हें भगाने की पूरी कोशिश की हमने, लेकिन हम हार गए और तुम जीत गए। तुम अपनी मोहब्बत को हमसे मिलवाने के लिए लाई थी ना, आज हम तुम्हें उसी के हवाले कर रहे हैं। यह हमें बेहद पसंद है। हाँ बोलो मधु। क्रिश, I love you, I love you, I love you। वो तो हमें मालूम है, आगे बोलो। बाप रे, अब जाकर कहीं हमारी परेशानी हल हुई। क्रिश, एक अच्छी खबर है, हमने घर वालों को सब बता दिया है, वो राजी हो गए हैं। तुम्हारे घर वाले राजी हो गए? हाँ, हमारी जान। पिताजी हमेशा कहते थे कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे एक मर्तबा मिलवा दो, और हम हमेशा अपने पिताजी की बात को टालते थे। पर अब बहुत हो गया क्रिश, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर हम अभी यहाँ से चले गए तो तुम्हारा पूरा खानदान हम पर 420 का तमगा लगा देगा, और जरा सोचो तुम्हारे खानदान ने हमारी हकीकत के मुतालिक उजागर कर दिया तो तुम्हारे पिताजी पर क्या गुजरेगी। जरा गौर फरमाओ इस मुतालिक, वो हम पर एतबार करने लगे हैं। इससे कबल की बात आगे बढ़े, चलो उनको हकीकत बता देते हैं। हमारे वालिद से? हाँ, अगर हम लोग हकीकत बता देंगे तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। चलो, हम आपके फर्जंद को अपने घर का दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन हमें अफसोस है कि भूमि आपके घर की बहू नहीं बनेगी। सालों कबल आपने वादा किया था, अपने वायदे को क्यों भूल रहे हैं अभी? भूमि क्या उस लड़के के साथ खुश रह पाएगी? जिस लड़के को वो पसंद करती है उसी के साथ वो खुश रह पाएगी, और उसी की खुशी में हमारी खुशी है। यह है भूमि की पसंद कृष्णा, इनकी खुशी के दरमियान दीवार बनना एक वालिद को शोभा नहीं देता। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी दुख्तर को खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा ये फरमाइए। उसे भर पेट खाना खिलाऊंगा, उसका पूरा बदन जेवरात से भर दूंगा, ब्याह के बाद आपको एक दर्जन बच्चों का नाना बना दूंगा, इतना काफी है, या फिर अपने पालतू कुत्तों से उसे नुचवाना पड़ेगा? खामोश! हम आज तक तुम्हारे आगे पीछे पूंछ हिलाते थे, पालतू कुत्ते की मानिंद तुम्हारी वफादारी की। भूमि हमारी हो जाएगी इसी उम्मीद में। अगर तुमने उसका हाथ हमारे हाथों में नहीं दिया तो फिर इस वक्त तुम्हारे सर पर जो सवार है वही हमारे सर पर भी सवार है। दिल कर रहा है तुम्हें खड़े खड़े चीर डालें यहीं पर, फिर कभी इस घर के रुकन पर हाथ उठाया तो नोश फरमाने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं बचेंगे। तुम्हारे फर्जंद ने हमारी गिरेबान पे हाथ लगाया और तुम खामोश तमाशबीन बने हुए थे। आज हम समझ गए कि अपने और परायों में क्या फर्क होता है, और इस बात का एहसास इसने करा दिया।
आज तक हम सोचते रहे कि तुम्हारा फर्जंद ही इस घर का दामाद बनेगा, लेकिन अब कान खोल के सुन लो, आज से ये बनेगा हमारे खानदान की इज्जत का निगहबान और यही बनेगा हमारा दामाद, हमारा वारिस। आज दिन में सांप पालने की कोशिश मत करो, एक दिन वो तुम्हें ही डसेगा। खामोश, तुम्हारे जैसा शैतान क्या जानेगा, तेरी ही बातों में आके हम अपने खून से नफरत करने लगे, सगे भाई को अपने घर से निकाल दिया, वालिद का भी बंटवारा कर डाला, आज हम समझ गए कि हमने क्या क्या खो दिया तेरे जैसे मनहूस की वजह से। अब हम खुद जाएंगे अपने भाई के पास और उसे मना के यहाँ ले आएंगे, जिस घर को तूने तोड़ा है उसे हम फिर से जोड़ेंगे। जाओ गाड़ी निकालो, आओ क्रिश। हमारे रूबरू दुश्मन नहीं भाई खड़ा है, हम इन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तशरीफ लाए हैं। पिताजी, हमारे भैया आए हैं। तशरीफ लाइए। भैया, हमारी दुख्तर आ रही है। भैया, आपने इसे कभी नहीं देखा, हमारी आंखों का नूर है ये मधु, हमारी खातिर सब कुछ है ये। कृष्णा आ जाओ। मधु, ये कृष्णा है, भैया का होने वाला दामाद। हाय कृष। मधु। भूमि, हमारे भैया की दुख्तर। भूमि इस हीरे को कहां से तलाश कर लाई है मालूम नहीं, 100% खरा सोना है ये, देख रही हो ना, यहां से खुशी का सारा माहौल सब इसी की वजह से है। कृष्णा, अगले गुरुवार को तुम्हारी और भूमि की मंगनी का मुहूर्त है। अपने घर वालों को यह खुशखबरी आज ही दे दो बेटा, हम चाहते हैं ये नेक काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, तुम्हारे जैसे दामाद किस्मत वालों को मिलता है। कृष्णा, अपनी वालदेन से राब्ता करो, जाओ। ठीक नहीं होगा कृष, अब जिससे मधु की शादी होनी चाहिए उसे हमारी शादी हो रही है, हम किसी का दिल नहीं तोड़ सकते,
हम पिताजी से सब कुछ कह देंगे कृष। अभी अगर ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे साथ साथ मधु की शादी भी रुक जाएगी। तो फिर इस मंगनी को कैसे रोका जाए? तो दिखावे के लिए शादी कर लो, सेटलमेंट का अग्रीमेंट करके। हाँ? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जो ड्रामा हम तीनों ने शुरू किया था उसमें हमारा खानदान भी शामिल हो चुका है। तुम क्या कहते हो कृष? कुछ तो जवाब दो। हम क्या जवाब दें? हमारी जिंदगी सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी तबाह होने जा रही है। तुम दोनों हमारी जिंदगी के साथ मिलकर खेल खेल रही हो। तुम दोनों रिश्तेदारों, इसका इल्म नहीं था क्या? हमें इल्म नहीं था। हाँ। जब हमने इससे पूछा, इसने कहा मैसूर, और हम तो मंडिया के हैं। अरे लड़कियों, काश हमें इस बात का इल्म कबल होता कि तुम दोनों मैसूर की महारानी हो। कहां से तुम दोनों हमारी किस्मत में आ गई। एक मिनट, फरमाइए पिताजी। कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो? तुम्हारा दौरा कैसा है? तुम मजे कर रहे हो ना? कपड़े उतार कर नंगा नाचने का दिल कर रहा है पिताजी। सही में? हमारा मतलब है कि ठंड इतनी है कि गर्म कपड़े बहुत पहन लिए और पसीने से सराबोर हो गए हैं बस। इस वक्त तुम हो कहाँ? नायगरा फॉल्स पर हैं पिताजी। संभल कर, वहाँ बिन मौसम बरसात होती है। बजा फरमा रहे हैं पिताजी, इसलिए इस वक्त हम दो कयामत के दरमियान फंस गए हैं। आप कहाँ हैं पिताजी? हम अभी आपके पास आ जाएंगे। अरे कयामतों के दरमियान हो तो छोड़ कर क्यों आओगे, मजे करो। ओहो, आपको भी इसका तजुर्बा है क्या? ठीक है पिताजी। All the best. पिताजी फरमा रहे हैं कि कयामत के साथ मजे करने में दिक्कत नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, जैसे तुम भूमि के नकली आशिक बने हो वैसे ही मम्मी डैडी भी मिल जाएंगे। ए, 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 ऐसे वाहियात तरकीबें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ जाती है बताओ जरा। अपनी जिंदगी को काफी डिसेंट और सीधे तरीके से जीने वाले लड़के हैं हम। हम सोच रहे थे कि तुम हमारी खातिर एकदम फिट हो, लेकिन तुमने तो हमें किसी और के साथ ही फिट कर दिया। देखो, एक आदमी दो शादियां नहीं कर सकता, ये अदालत का हुक्म है। तुम दोनों हमें गुब्बारे की मानिंद फुला फुला कर फोड़ने में लगी हो। फोड़ लो, तुम्हारे पिताजी हैं या कड़कड़ाती बिजली, हम भी देखते हैं। बुला लो। ये हमारे वालिद और ये है हमारी वालिदा। जी मामा जी। अरे आइए, तशरीफ लाइए। अरे बेबे, अपने वालिद से कितनी मोहब्बत है तुम्हें। आओ हमारे घर। अरे आपको इतना किए बगैर ही आ गए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं पिताजी। बॉडी सेम थी, इससे कंफ्यूजन हो गया। कैसे हो मेरे लगते हैं जिगर? ओवर एक्टिंग ना करो वरना राज खुल जाएगा। वालिद बनने का मौका मिला है, वो भी तुम्हारी जैसी औलाद का। खुशामदीद पिताजी। अरे ओ मुलाजिम, मेरा सूटकेस लेकर आओ। आइए हम कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ओ, सफर कैसा था? खाना खाया कि नहीं? आप खैरियत से तो हैं? ऐसे सवाल आज से मुझे कोफ्त होती है। हम तो यहाँ अपने बेटे से मिलने आए हैं। वापस कब जाएंगे? पिताजी, ये है भूमि, होने वाली बहू, सही है। और ये है होने वाले ससुर। और ये है लड़की के भाई। गाल सुर्ख हो जाएंगे आपके। पिताजी, ये है इनके भाई। एडजस्ट कर लीजिए, कोई किसी का भाई हो सकता है। हमारी तरह ताकतवर जिस्म है, जिम जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह सुबह दो चार अफराद का सर कलम करके दिन की शुरुआत करता हूँ। हम भी कब यही करते थे, अब छोड़ दिए हैं। समधन जी, आप कुछ नहीं कह रही हैं? वो कुछ पूछ रहे हैं, डरो मत, जवाब दो। जब ये बोलते हैं तो हम खामोशी रहते हैं। देखा, एक जवाब है पैसे वसूल। ये आपकी दुख्तर है क्या? ओवर एक्टिंग नहीं। गलत, ये हमारी दुख्तर है। हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम इसकी कैसे बैंड बजाते हैं। बस हमारे दरमियान कुछ न कहना। आज की दुख्तर भी जवान हो चुकी है ना। हमारे फर्जंद की तरह कोई हो तो उसकी भी शादी करवा दीजिए, एक ही खर्चे में। ऐसे क्या देख रहे हैं? एक सरकारी में दुगना मुनाफा, कैसा लगा मेरा पंच? आपको दांत तुड़वन है, वैसे भी थोड़े कम है। क्या दिमाग मिला आपको, जबरदस्त। बेटा से बढ़कर बाप, तुम्हारा क्या इरादा है मधु? किस मुतालिक पिताजी? वही तुमने जिक्र किया था ना कि शहर में किसी से मोहब्बत करती और शादी करना चाहती हो, तो उसे भी यहाँ बुला लो। वो तो पिताजी। मधु, तुम दोनों की शादी एक ही साथ हो जाएगी, उसे बुला लो बेटा। बात ये है कि वो हमसे नाराज होकर कहीं चला गया है पिताजी। अगर वो हमें पसंद नहीं आया तो हम उसे ठुकरा सकते हैं, लेकिन उसे नाराज होकर जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ठीक नहीं किया उसने। ये उनका खानदानी मामला है, तुम
तुम देवदास के बने हुए हो? चला जाए। चलो 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 बोला चलिए। भाई जो मैंने बोला वो समझ गया ना? हाँ भाई, शहर में एक लड़के ने हमारी दुख्तर को धोखा दिया है। हाँ। मधु के कॉलेज में जाओ और इल्म करो कि वो कौन है, और दो रोज के अंदर उसे यहाँ लाकर हाजिर करो। जाओ। ठीक है। वाह, कमरा तो काफी अच्छा है। ओए गोरिल्ला, तुम यहाँ क्या करने आए हो और कर क्या रहे हो? इस घर की बच्ची की शादी पर तुम क्यों मशविरा दे रहे हो? अरे क्या समझ रहे हो, अवार्ड विनिंग अदाकार है हम। हम क्या तुम्हें कोई मस्खरे जैसा लग रहे हैं? जैसा स्क्रिप्ट में है वैसा ही जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट से अलग हरगिज नहीं। और तुम हमें सिखा रहे हो गैर अदाकार, जरा खुद पे काबू करो। एक और नया बकरा आ गया। यहाँ क्या चल रहा है हमें इल्म नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अगर गलती से हमने राज खोल दिया तो क्या होगा ये तुम्हें भी पता है, तो जरा खामोश रहो। अब तुम हमारी गिरफ्त में हो, चाहो तो तुम्हें चुप फसा सकता हूँ। माफ कीजिए अंकल, जो हमने कहा वो भूल जाइए, आपको जैसा करना है। ठीक है ठीक है, हाथ नीचे। वो कौन अंकल, कैसा अंकल? सॉरी पिताजी। ये बेहतर है पिताजी, जाकर मश्क करो, जाओ। हम आपको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि खुद को आईने में देख रहे हैं। सच कहे तो हूबहू है ना भैया? शुरू शुरू में लगता कि सब कुछ हमारे हाथ में ही है, लेकिन अचानक सब भाई के हाथ में चला जाता है। ये लंगूर कौन है? इसे कितने में खरीदा है तुमने? आगे क्या होने वाला है हमें सब कुछ नजर आ रहा है, है ना भैया? अरे उसने उसका बोसा लिया है। अबे उन दोनों का रिश्ता मुकर्रर हो गया है, मजे करने दो ना। बाई वाली ने दिया होता तो ठीक था, पर दाई वाली ने दिया है। तूने कहाँ देख लिया बे? शीशा में। शीशा में हमेशा उल्टा ही नजर आता है, तू गाड़ी चला। अबे चला ना। रोको रोको रोको, हमारे पीछे आओ, हम लीडर हैं, हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना होगा, ओके? हमारे पीछे आओ। पता नहीं क्या होने वाला भाई, 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 हमारा दिल बहुत घबरा रहा है भाई। वो सब भाई जानिब से आता तो अच्छा होता, दाई जानिब से क्यों आया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दो शेरनी से मत खेलो भाई, काट लेगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अबे ओ बोल बच्चन, दाया बाया छोड़ो और ये बताओ कि तुमने शीशे में बोसा लेते किसको देखा? हमें तो शीशा में मधु जैसी ही नजर आई थी। नजर आया था तो फिर वही होगी। अरे यार, बड़े मामा की दुख दर्द तो ठीक थी, छोटे मामा की दुख दर्द को क्यों पटा रहे हो? बिल्ली जी भैया, हम चाहे कुछ भी करें, हमें पूरा यकीन है कि तुम उसे अच्छे से मैनेज कर लोगे। इतना ज्यादा यकीन है क्या? यकीन ऐसा ही होता है। चलो आओ। ये कैसा यकीन है? जरा वो दिखाइए तो। अरे वो नीचे वाला। अरे ये पुराना फैशन नहीं चलेगा। सुनिए अंकल, शादी के लिए कितनी जोड़ी पोशाकें चाहिए? दो जोड़ी ले लेता हूं। सिर्फ दो जोड़ी? सुनो बेगम, कम से कम 20 साड़ियां ले लेना। ठीक है जी। अच्छा अंकल, दूल्हे के लिए कितनी जोड़ी कहा था? तुम ही बता दो। शागिर्दों की तरह सब कुछ पूछना नहीं चाहिए, जाओ जाकर 3 जोड़ी लाओ। अरे कम से कम 30 जोड़ी तो चाहिए ना। वैसे नजर तो गोरिल्ला की पारी लाते, लेकिन बात हमारी तरह करते हो तो। जाओ बेटा, बात करो बात करो। ये अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। माँ देखिए तो, दूसरी भी माँ देखिए ना, दूसरी देखो ना, दूसरी बहुत अच्छी है। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। देखिए ना माँ, ये रंग कैसा लग रहा है मुझ पर? रंग तो बहुत ही खूब है, लेकिन तुम पर अच्छा लगेगा हमको शक है। क्या बात है कृष, तुम इसे ऐसे गुफ्तगु कर रहे हो जैसे इसे कब्ल से जानते हो। ऐसा तो कुछ भाई की अदा ही ऐसी है, भाई जबरदस्त है, कोई बात छुपाते नहीं है, फौरन अंदर से बाहर निकाल देते हैं। इतनी जरा सी बात के लिए भाई को क्यों तकलीफ दे रही हो? हम भी बता देते हैं, मधु ये साड़ी तुम पर हरगिज अच्छी नहीं लगेगी, चुड़ैल जैसी नजर आओगी। कचरा, किसी के साथ अच्छाई करने जाओ तो खुद के साथ बुराई हो जाती है। सबके रूबरू हमारी बेइज्जती होगी, इसकी हमें उम्मीद नहीं। अरे तुम दिल पर ना लो, ऐसा ही होता है, जाने दो, छोड़ो ना, बुरा मत मानो। अबे बेवकूफ, कार आ गया तो जल्दी आ। आ गए पिताजी। ये ले पकड़, आजमा करा। जी, जी। फर्जंद के कपड़े आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? हम काफी सख्त वालिद हैं, जरा सी छूट दे दूंगा ना तो सर पर चढ़कर पेशाब करेगा, नकरा करेगा तो पूरे शहर में नंगा घुमाऊंगा। देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तुम यहाँ कैसे? क्यों,
हम साड़ी में अच्छे नहीं दिखते, सिर्फ जदीद पोशाक में अच्छे दिखते हैं। अरे बाप रे, क्या करूं, अंदर कैसे देखूं, क्या हो रहा है? क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? एसी चल रहा है फिर भी पसीना निकल रहा है, माजरा क्या है? हमारे सामने सब कुछ हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। कहाँ फंस गए यार, कैसे कपड़े हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी पिताजी, आप यहीं रुकिए, हम अभी आजमा कराते हैं। और अब क्या आजमाने जा रहा है? अब समझ गए ना अंकल कि एसी चलने के बावजूद हमें पसीना क्यों आ रहा था। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? वो सब जानने की कोशिश मत कीजिए, वो पुरसुकून सिर्फ नजर आता है, नजदीक जाओगे तो 1000 वोल्ट का झटका लगेगा, बेहद खतरनाक है। तुम हमें डरा रहे हो? आपके भी पसीने छूट गए ना, अब तो हमारी बात समझ में आ गई। पचक पचक पचक, हमारी पतलून के लिए करके चला गया। क्या करने आया था और क्या करना पड़ रहा है, बेवजह की परेशानी। ओ, तुम दोनों यहाँ पर हाजिर हो? जब तुम दोनों यहाँ पर हाजिर हो तो भाई भी आ ही जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, चाहे वो कहीं भी हो जरूर आ जाएंगे। अभी तक तो नहीं गया भाई, पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसी के लिए तो गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। जैसे उसकी गाड़ी निकलेगी फोन करके आपको खबर कर दूंगा। हाँ भागलो की मानत, भाग क्यों रहा है बे? भाई, जिसका इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं उसका इंतजार करना बेकार है। ए, चलो बे। बगैर आवाज आए इन लोगों को कैसे निपटा दिया भाई? Gonna blow, I'm the deep, wanna play on my flow. All the way, gonna move from my side. It's my style, let me tell you now. एक छोटी सी उलझन है, हम लोग जितने आए थे उनमें से एक कम है। क्या हुआ, मिल गया वो बदमाश? हम तलाश रहे हैं, मिल जाएगा भाई। एक काम करो, उसके वालदेन को यहाँ उठा कर ले आओ, वो खुद ही आ जाएगा। हाँ ठीक है भाई। अरे अरे छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, हमें नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो, नीचे उतारो, क्या है?
क्या हो रहा है, कुछ बताइए हमें। भाई ये रहा उसका वालिद। अबे ओ अहमको, ये हमारे होने वाले समधी हैं, इज्जत से पेश आओ। माफ कीजिए समधी। गलती हो गई जनाब, तशरीफ रखिए। समधी कह रहे हैं, ये सब क्या है? बेटी मधु, आपने बुलाया पिताजी? मधु अंकल, आंटी, आप लोग यहाँ? ये सब क्या माजरा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटी। समझ में आ जाएगा, इनका ही लड़का है ना वो जो तुम्हें दगा देकर फरार हो गया था। फरार हो गया था? हमारे बेटा दुनिया की सैर पर गया। हाँ, है। दुनिया की सैर पर गया है। वो चाहे अमेरिका जाए या अलीबाग, उसके आने तक तुम लोगों को यहाँ बगीचे में आप पोशी करनी होगी। दिस इज नॉट फेयर मैन। हेलो, बच्चा पैदा करना अहम नहीं होता, उसका अच्छा परवरिश करना अहम होता है। ए, तुम तो वाले से ज्यादा बेवकूफ नजर आते हो। अबे ओ नमूने, इनके फर्जंद से मुलाकात करनी है। छत्रपति शिवाजी की मानिंद शेर है, असल बब्बर शेर। अपने फर्जंद को जरा बुलाइए, ये लोग भी देखें। ओ कृष्णा, अब क्या होगा? हमारा मुहज्जब फर्जंद। जी फरमाइए पिताजी। ए, तुम्हारे छोटे ससुर जी के समधी आए हैं, उन्हें नमस्ते करो। अच्छा अच्छा। अरे कृष्णा, ये क्या कर रहे हो तुम? यही हमने तुम्हें सिखाया अब तक? मानते हैं वो मुफलिस हैं, लेकिन उम्र में हमसे बड़े हैं। नमस्कार करो। नमस्ते अंकल। ये क्या पिताजी, बगैर बताए आप तशरीफ ले आए, एक बार इत्तला तो कर देते। हमारे लगते जिगर, तुम तो जनूबी अफ्रीका की बर्फीली वादियों की सैर पर थे ना, इसलिए तुम्हें परेशान करना वाजिब नहीं समझा। यहाँ आकर दूसरे मम्मी पापा को सेट कर लिया, हमसे प्यार नहीं करते। माफ कीजिए मम्मी, माफ कीजिए पिताजी, बस छोटा सा झूठ बोल दिया है। देखिए बचपन में आपने कई मर्तबा ऐसी शरारत करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन नहीं कर पाए, आपके हिस्से की हमने कर दी, बस इतनी सी बात है। कृष, इतनी दूर तुम क्यों आए? यही सब हुआ था मम्मी। ये क्या हो गया मधु, जरा देखो तो। तुम हो अंकल भूमि? हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, आप लोग हमें माफ तो कर देंगे ना? अगर तुमने गलत कदम उठाया होता तो हमारा बेटा कृष तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। हमारे बेटा कभी भी गलत का साथ नहीं देता। ये हुई ना मम्मी वाली बात। यही बात पिताजी को भी समझाइए ना, वो तो हमारी जानिब देखते भी नहीं है। ये घर इतना बड़ा है कि इंसान चलते चलते थक जाता है। ये साड़ी देखिए ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो हमने था, लेकिन पैसे समधी जी ने दिए थे। मुसीबत पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, ऊपर से ये दो नमूने। ये क्या है मम्मी, ये कैसा पोशाक पहना हुआ है आप लोगों ने? अरे क्या बताऊं, पोशाक बदलने का मौका नहीं दिया, जबरदस्ती खींच लाए। बेटा तुम्हें अपने वालिद की अलमारी के मुतालिक इल्म है ना? आप देखो तुमने हमें किस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। हेलो हेलो, अरे बाप रे, कोई फोन आए बगैर ये हेलो हेलो क्यों कर रहा है? ये सब क्या है जी? हमने तुम्हें कहीं देखा है? कहाँ देखा है? हाँ याद आया, पिछले साल महामंदिर के मेले में। पिछले साल नहीं, इसी साल। इसी साल? अरे इस साल तो अभी मेले का वक्त ही नहीं हुआ है। ये ज़ईफ़ी मेरी याददाश्त भी ले जाएगी। छोटे। हाँ भैया। जैसे हम लोग एक साथ बैठे हैं ना, ये सब हमें किसी ख्वाब की मानिंद लग रहा है। हाँ ये लड़का अगर कब्ल आ गया होता तो हमारे दिलों का फासला कब का मिट गया होता। बजा फरमा रहे। दामाद जी कुछ भी हो लेकिन आप काबिले तारीफ हैं। भाई तारीफ के काबिल तो आप हैं। है, जब हम उसकी तारीफ कर रहे हैं तो तुझे बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? आज से ये कृष्णा हमारे रथ का सारथी है, ये याद रखना। ठीक है।
ठीक है भाई। सबने कृष के मुतालिक सब कुछ बता दिया, अब तुम भी अपने आशिक के मुतालिक बताओ। माँ, हमारे आशिक का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा आशिक हूबहू श्री कृष्ण की मानिंद है। यहाँ एक बांसुरी, वहाँ एक बांसुरी, और न जाने कितनी होंगी। ये बांसुरी का खेल बांसुरी वाला ही जाने, हमें क्या करना है। हमारे आशिक ने कितने मोहब्बत करने वालों को मिलाया है, वो सबसे अलग है और हमारी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सुन रही हो, वो लड़के के मुतालिक तारीफ के इतने पुल बांध रही है, तो फिर हमें कृष के मुतालिक कितनी तारीफ करनी चाहिए। चलो तुम भी कृष के मुतालिक बोलो। बताओ ना, क्या तुम्हारा कृष तुम्हारी खुशी की जान दे सकता है? चलो बताओ। हाँ, बताओ ना। चियू, हमारा आशिक दूसरों की खातिर अपनी जान देगा? हमारा आशिक का तुम्हारे आशिक से कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे आशिक ने दो मोहब्बत करने वालों को मिला दिया और हमारे आशिक ने दो खानदानों को मिला दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हमारा आशिक हमारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है ना? एक आशिक सी या तो उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो सकती है या तो उसके खानदान वाले, लेकिन हमारे कृष से पूरा का पूरा गांव खुश है। शुक्रिया कृष। अंकल, उसने तो अपने आशिक की तारीफ में बहुत कुछ कह दिया, अब आप भी अपने फर्जंद के मुतालिक बताइए। हमारा लड़का इस जमाने में सुपर। हेलो, आपका फर्जंद सुपर तो हमारा पंप है। लेकिन आपका फर्जंद है कहाँ जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? हमारा फर्जंद हमारे पास बैठा है फिर भी हम तारीफ नहीं कर रहे। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? बोलिए ना, ज़बान सिल गई क्या? अरे कुछ तो बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। पिताजी बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाइए ना। दो बड़ों के दरमियान किसी छोटे को नहीं बोलना चाहिए। हेलो, सिर्फ बच्चा पैदा करके कोई अजीम नहीं हो जाता। जब ये पैदा हुआ था तभी हमने ऐलान कर दिया था कि ये पूरी दुनिया में नाम करेगा। आखिर बेटा किसका है? देखिए हमारे बेटे को, ये अजीम है। माय सन, आई लव यू, आई लव हिम। हेलो, लाखों करोड़ों की कमाई एक जाने, बीच में मत बोलो यार, फ्लो खराब हो जाता है। ऐसा हीरा पैदा करना एक जाने। हेलो, व्हाट अबाउट यू? एक फर्जंद तुमने पैदा किया जो तुम्हें छोड़कर फरार हो गया। अंकल, अपने मुस्तकबिल का आपको कोई ख्याल है? हमारा मुस्तकबिल रोशन है, इसका इल्म हमें बखूबी है और उसका रोशन होना इसकी कुव्वत में है। He is so strong, you know? पिताजी, जल्दी सो जाइए नहीं तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। समझी जी, क्या किस्मत है आपकी, लगता है आपका बेटा अभी भी आपके साथ ही सोता है। हाँ, आखिर बेटा किसका है? ये अजीम है। चलिए चलिए। हाँ मेरे बेटे, चलो जरा दरवाजा बंद कर देते। कैसा हैं? लगा, सबको हिला कर रख दिया। देखा, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे सदमे में आ गए। इसे कहते हैं अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, एक्टिंग। एक मौका हासिल हो जाए तो पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। अरे बाप रे, ये मारने का सीन का जिक्र नहीं था। दूसरे के मामले में टांग क्यों उड़ाते हो? हाँ, हो तो लंगूरों के मानिंद और बातें इंसानों जैसी। देखे ना, घुमा कर मालूम होता है अच्छी अदाकारी देखने की आदत नहीं है। हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। हमारी तारीफ कर रहे थे? सब किए कराए पर पानी फेर दोगे तुम? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उनका फर्जंद हम ही है। तुम वहाँ क्या छोड़ रहे थे लंबा लंबा? हाँ हम बताते हैं। क्या था? हाँ, हमारी तुमने ही परवरिश की है। अरे बेचारा, हरगिज नहीं छोड़ना। दो चार और जोर से लगाओ, हमारा आधा पेमेंट खा गया। एक और बात कही थी, क्या थी वो? अरे तुम तफसील में क्यों जा रहे हो? नौटंकी मैं अदाकारी कर लूंगा, ये रियलिटी शो हमसे मुमकिन नहीं। तो, हमारे जैसे अदाकारों के लाखों करोड़ों खा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सबकी बैंड बजाने की बात कर रहा था। तुम सुकून से सो जाओ। चलो, हमें तो मुकालमा तो मिल गया। ये रिवाइंड करने का वक्त नहीं है। हमने जो फरमाया था सब कुछ नहीं याद है। याद है ना साहब? जनाब को सब कुछ याद है जनाब। हमने जितना कहा है ना उतना ही करना, नहीं तो ज़बान हलक से खींच लेंगे। अगर हमारे पिताजी के मुतालिक कुछ बोलोगे ना तो ओवर एक्टिंग। ओ माँ, ओ पिताजी, कहीं का नहीं बख्शा। भाई साहब, बैठ सकता हूँ? क्या हुआ भाई साहब, लगता रात को सुकून से नींद नहीं आई?
मत छुइए जनाब साहब, वो आपका फर्जंद है, हमें बता नहीं सकते थे क्या? क्या हुआ भाई साहब, उसने आपके साथ कुछ किया? अरे क्या नहीं किया, रात जो उसने तार छेड़ी है उसकी वजह से अभी तक पूरे शरीर में म्यूजिक बज रहा है साहब, बहुत हुनर है उसके अंदर। क्या हुआ समधी जी, मालूम होता है फर्जंद के साथ रात में काफी सुकून की नींद हासिल हुई। सो पाया जनाब, ऐसा म्यूजिक बजाया कि सो नहीं पाया। लेकिन आप तो अपने फर्जंद की काफी तारीफ करते हैं। वो तो उसी के लिए पैसे लिए है ना। उसकी तारीफ आपकी जुबान से बहुत अच्छी लगती है, एक मर्तबा और कीजिए ना समधी जी। क्यों नहीं समधी जी, वो बहुत ताकतवर है। इन्हीं की मानिंद ताकतवर है। क्या किस्मत मिली आपको, सबको ऐसी किस्मत मिले। ऑल द बेस्ट समधी जी। ऑल द बेस्ट जनाब। हमें एक उलझना जनाब, हम जो कर रहे हैं, अगर ये इल्म हुआ कि ये सब एक नाटक था तो हमारा क्या हश्र होगा? हमारी हिफाजत के लिए तो हमारा फर्जंद है, आपकी हिफाजत तो अब ऊपर वाला ही कर सकता है। ये ख्याल तो हमें आया ही नहीं। ए, किन ख्यालों में खोई हो तुम? अब ख्यालों से बाहर आओ और चूड़ी पसंद करो खुद के लिए। माँ जी, वो सुर्ख चूड़ियाँ आप पर बेहद ही खूबसूरत लगेंगी, जरा उन्हें पहनिए ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपसे ज्यादा आपके बेटे को हर चीज की पहचान है। ये लीजिए, पहन लीजिए। माफ कीजिए मम्मी। दिन ब दिन हालात बेहद संजीदा हो रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है इसका इल्म करना ही पड़ेगा। बिल्ली फिर से बाज के पंजे में फंस गया। भैया क्या कर रहे हो बिल्ली? अभी अभी बीपी की दवाई खाई है, मालूम होता कि आपसे मुलाकात होने वाली तो शुगर की भी दवाई खा लेता। उसकी जरूरत नहीं है चलो। भाई ऐसा कुछ ना करना कि हमारे पैरों के नीचे बुलुक करके बम फट जाए, गुजारिश है भाई। इनका खेल क्या है, किसी को इल्म नहीं होता है। बताओ। क्या बताऊं भाई, होटल के मालिक तो आप हैं, जो पकवान कहेंगे वो बनाकर दे देंगे। जरा अपनी दाईं जानिब देखो। दाईं जानिब? अरे बापरे, अरे बापरे, ये क्या देख रहा हूँ। कंट्रोल कंट्रोल, संभाल अपने आप को। क्या है, तुम और भूमि लगता है बहुत करीब आ गए हो। बिल्ली यहाँ कुछ जलने की बू आ रही है ना। क्या भैया, सब कुछ जलकर कबले ही राख हो गया और हवा का झोंका उसे उड़ाकर भी ले गया, अब जलने को बचा ही क्या जो बू आएगी। परसों रात को वो तुम्हें अपना आशिक बताकर कैसी कैसी बातें कर रही थी। गोपियाँ कृष्ण को अलग अलग शक्ल में देखती हैं, तो इसमें कृष्ण की क्या गलती है। बली आप बचा लीजिए। अरे भाई साहब, हम आपके पैर पकड़ते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, खतरे की घंटी बज गई है, सामने ही छोटे यमराज आ रहे हैं, चलिए भाई। दामाद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मामा जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा जंग का माहौल सा रहता है ना, पाकिस्तानी दहशतगर्द जगह जगह बम फोड़ते हैं मामा, उसे सूरत हाल को कैसे काबू में किया जाए इसी का मंसूबा बना रहे थे, है ना भाई। ओ कबूतर, हमने तुमसे कुछ पूछा क्या? दामाद जी मधु कहाँ है? मधु मधु कहाँ है हमें पता नहीं मामा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं गायब हो गई है मामा जी। चप्पल से मारूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर मधु के मुतालिक कुछ बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा जी मधु तो आपके पीछे ही खड़ी है, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी, नीचे कुछ रस्म चल रही है, तुम भी वहीं जाओ। दामाद जी इसे ज्यादा सिर पर मत बिठाइएगा, अब्बल दर्जे का अहमक है, होशियार रहिएगा। चलो बेटी। यहाँ कौन अहमक है कौन अक्लमंद है ये आपको जल्दी पता चल जाएगा, है ना भाई। काम हो गया, अब चलो। क्या प्रोग्राम है? क्या पुलिस वाला बन गया है, बहुत खूब, ऐलान करा के पूरे गांव वालों को दावत पर बुला लो। ये हमेशा खाने पीने की बातें क्यों करते हैं? क्या बात है, अच्छी खबर दी तुमने। हाँ क्या बात है समधी जी, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं समधी जी, हमारा एक दोस्त था, हाँ? अदाकारी करता था, एक लड़की की मदद करने के खातिर उसका आशिक बन के अपने वालिद को बगैर बताए वो लड़की के घर चला गया। उसके खानदान वाले काफी दबंग लोग थे, वहाँ के बच्चे बॉल से फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते थे। अगर वही ड्रामा आपके साथ होता और इसका इल्म आपको हो जाता तो आप क्या करते समझे? समंदर में फेंक देता, काट के बोटी बोटी कर देता। हम ही काट के फेंक देते, उनकी बोटियां करके उनके कुत्तों को खिला देते। लेकिन ऐसा करना गुनाह है, उनको अपने पास बुलाकर समझा कर प्यार से अब दोबारा ऐसा नहीं करना बेटा, उन्हें समझा कर छोड़ देना चाहिए। जिंदगी कोई फिल्मी फसाना नहीं है समधी जी, अगर ऐसा हमारे साथ किसी ने किया ना तो उसके हाथ पर काट कर उसका सर कलम करके नारियल पानी की तरह खून पीऊंगा। ऐसा क्या,
आपके लिए खून और पानी एक है क्या? समधी जी, नाटक करना भी गुनाह है और नाटक करवाना भी। छोड़ दीजिए ऐसे नालायक की दोस्ती। बिल्कुल सही फरमाया आपने, नालायक वो नालायक नालायक नालायक। क्या बताओ समझे जी, अदाकारी का शौक है, लव अदाकारी देखकर उसे दहर आ गया और वो घुस गया। हम अभी उसे रابطہ करके उसकी मदद करता हूँ कि वो जहाँ भी हो इसी वक्त निकलकर फरार हो जाए। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं समधी जी? अरे समधी जी, संभाल कर उठिए, उठिए, संभाल कर उठाइए। हाँ, ये सूटकेस लेकर आप इतनी रात को? वो हम दफ्तर से जरूरी फोन आता, वहीं जा रहे हैं हम। समधी जी, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपके दोस्त ने कुछ उल्टा सीधा कहा है तो बताइए, काट कर बोटी बोटी कर दूंगा। समधी जी, बार बार काट दूंगा कह के बीपी क्यों बढ़ाते रहते हैं? वो सब छोड़िए, आप जा रहे हैं, ये लड़के को इल्म है? इल्म है क्या? उसे इल्म होगा तो हम जा पाएंगे क्या? हम उसकी खातिर लॉलीपॉप है ना। पिताजी, वक्त का कितना पाबंद है। कहाँ जा रहे थे पिताजी? कहीं नहीं बेटा, बच्चों की हद सिर्फ लॉलीपॉप तक ही होनी चाहिए। चलिए पिताजी, हम आपकी मालिश कर देते हैं। जरूरत नहीं है। चलिए ना पिताजी। अरे कह रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है। अब दामाद जी, जी मालूम होता है आपके पिताजी को गुस्सा आ गया, इनको अंदर ले जाकर प्यार से समझाइए। नहीं नहीं, सब कुछ यही कहो, यही सुन लूंगा। चलिए ना पिताजी। नहीं, चलिए ना पिताजी। नहीं जाऊंगा। चलिए ना पिताजी। दामाजी मालिश कर देते हैं। जरा इनको बढ़िया से समझाइए, दोबारा यहाँ से बगैर बताए जाने की हिम्मत ना हो इनकी। दो मिनट। ठीक है। अरे बाप रे, अब हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे। बख्श तो हमें, बख्श तो। अरे हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा काम नामुकम्मल रह जाएगा। संभल कर आइए पिताजी। एक बात बताओ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है क्या बेटा? नहीं है पिताजी। बाप और बेटे को इसी तरह रहना चाहिए। वाह, कितनी मोहब्बत है दोनों में। किसी मसाज पार्लर में चलो क्या बेटा? हाँ, आपके फर्जंद ने तो आपको बड़ी जल्दी समझा दिया। ये समझाने में वक्त नहीं लेता, हर लेवल पे समझाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बेटा, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दामाजी, आपके वालिद को आप हमेशा अपने पास ही सुलाइए। जरूर जाइए। अरे नहीं नहीं, चल बे। आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। फिर वही है, हकीकत में हमने आपको जरूर कहीं देखा है। कहाँ देखा है दादाजी? आपने उस रोज अखबार में पढ़ा था ना कि दुबई में किसी ने 4,100 करोड़ की पूरी कंपनी खरीद ली थी। ये वही हैं। अब हमें ख्याल आया, मतलब कि वो और वो हमारे पिताजी हैं। तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो आपकी छोटी पोती से। ये सुनकर आपको इतना बड़ा सदमा लगा, सोचिए हम पर क्या गुजरती होगी, अब हमारा क्या होगा दादाजी? देखिए, इस कहानी की शुरुआत तो आपने की थी, इसलिए इसका क्लाइमेक्स भी आपको ही लिखना होगा। अरे ये कौन सी बड़ी बात है कृष्णा, बस तुम हमारे पीछे पीछे चलते रहो। अरे बाप रे, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है प्यारे कि डुएट नहीं, थ्रीएट है। क्या? हमारी तरह दोनों का हाथ थाम लो। आप मामूली ज़ईफ नहीं, बड़े खतरनाक ज़ईफ हैं आप। मालूम होता है ये सारा खेल आपका ही किया हुआ है। आप चाहते हैं कि हम खुशी से अपनी जिंदगी बसर ना करें। ये बताइए, हम आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्या नजर आ रहे हैं? आपका फर्जंद कब आ रहा है? वो देखिए, जहाँ ज्यादा मोहब्बत होती है वहाँ झगड़ा भी होता है, ये तो आम बात है। मधु भी हमारी ही बेटी है, उसको जल्दी बुला लीजिए। भूमि के साथ ही मधु की भी हम शादी करवा देंगे। इजाजत दीजिए। तो बच्चों तैयार होना। ये क्या पिताजी, कल तक आप हमें फक्र से आगे रख रहे थे, अब चोरों की मानिंद पीछे खींच रहे, क्या बात है? कृष्णा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है बेटा। यहाँ चल रहे माहौल और हालात को देखकर मुझे डर लग रहा है, इस खेल का अंत क्या है? हमारी वजह से आज यहाँ पर हर कोई खुश है पिताजी, हमारे जाने के बाद भी हर कोई खुश रहना चाहिए। लेकिन हमें एक तकलीफ है पिताजी, आप लोग यहाँ पर जो परेशानी झेल रहे हैं वो हमसे देखी नहीं जा रही। तुम जहाँ हो वही हमारे लिए जन्नत है। तुम्हें खुश देखकर हम लोग हमेशा खुश रहेंगे बेटा। हमारे जिस्म में हजारों बीमारी हो गई है डॉक्टर, हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि हमारी सांसें ही थम।
ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मामा जी के कमरे में? इस खेल का अंत क्या होगा हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी, अरे अरे ये भी उसी कमरे में जा रहे हैं। इन्हें रोकना होगा बेटा, कुछ करके उन्हें बचा लो वरना गड़बड़ हो जाएगी। मामा से पहले हम पहुंचेंगे। सीटी भी नहीं बच रही है। मामा, क्या बात है? छोटा मामा बुला रहा है, कोई जरूरी काम है, वो नीचे खड़े हैं। वो या तुम? हम नहीं मामा, छोटे मामा, छोटे मामा, छोटे। तुमने हमें बुलाया छोटे? हमने नहीं तो। हाँ आपने ही बुलाया था, आवाज लगाई थी ना। क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? नहीं कुछ नहीं हो रहा, चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों रे? क्या है ना कि मामा कमरा खाली है पर हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। चूहे, इस कमरे के अंदर क्या चल रहा है? कुछ नहीं मामा जी। चल अब तो बकरे की जान फंस गई। कमरे में आप तीन लोग हैं क्या? तीन लोग हैं कमरे में। तीन लोग हैं कमरे में, तीन अफराद गुफ्तगू कर रहे हैं और तू दरवाजा बंद करके शक पैदा कर रहा है। मामा जी हमसे गलती हो गई। खामोश रहे। घर में इतने अफराद हैं कि दोनों लोगों का मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए हमने यहाँ आने का मंसूबा बनाया। अब तो खुश हो ना? शुक्रिया यार, भूमि आज बेहद खुश लग रही है ना कृष। एक मरतबा तुमने अपना सर हमारे कंधे पर रखा था तो हमारी जिंदगी बदल गई थी। अब एक मरतबा और रखोगी ना तो हम तो मर ही जाएंगे, इसलिए जरा फासला ही रखो। भूमि, 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 को अपने साथ रखा और हिम्मत तुम लोगों में बांट दी थी। भूमि पर हाथ डालने के बाद तुम लोगों में वो डर नजर नहीं आ रहा है, ये नतीजा है हमारी शराफत का।
वो डर हम तुम सबको वापस लौटा रहे हैं। भूमि को हाथ लगाने से कबल ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हम उसके साथ हैं? तेरा हाथ रुक क्यों गया? हाँ, लगा उसे हाथ, लगाना हाथ। उससे कह देना कि वो भूमि पर बुरी नजर डाले उससे कबल, जरा हमारे मुतालिक गौर फरमा ले। उसकी बुरी नजर ही मर जाएगी। सभी घर वाले तुम्हें मोहब्बत करने वाले समझ रहे हैं। ये देखकर हमें हंसी आ रही थी, लेकिन तुम्हारा ये 10 मिनट का जोश देखकर उन सब की बात हकीकत मालूम होती है। हम किरदार में पूरी तरह से घुस चुके हैं, अब कदम नहीं हटा सकते। कल तक भूमिका वाले तन्हा था, लगता था कि हम उसे फंसा लेंगे, लेकिन इस वक्त तीनों भाई संगम की तरह एक हो गए हैं, अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूल जाओ भूमि को। नहीं, आज तक हमने तुम्हारी इज्जत इसलिए की क्योंकि तुम हमारे वालिद हो, और अगर आज तुम खौफ ज्यादा होके भूमि को भूल जाने के लिए कहोगे तो हम ही तुम्हारा गला दबाकर मार डालेंगे तुम्हें। उसे मालूम नहीं कि उसने किससे दुश्मनी की है। हम उसे दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, कैसे फरार हूं? ये कुर्बानी की बकरी की मानिंद हलाल होने के लिए कौन लेटा है? अंकल, ये कौन पोज में लेटे हैं आप? हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हमारी तकलीफ कम नहीं कर सकते? तो जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम्हारी करतूत के मुताबिक अगर भाई को बता दिया तो तुम्हारी धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद जाहिर भी नहीं कर पाओगी कहाँ कहाँ धुलाई हुई है। क्यों खतरा मोल ले रहे हो? खामोशी से चलो, आ जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आप लोग आगे की रस्म शुरू कीजिए। अरे तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? हमारे समधी बनने वाले हो? चलो तुम भी हाथ लगाओ और बच्चों को दुआएं और खैर दो। हाँ, यकीनन दे दूंगा, लेकिन हमें जरा मदद चाहिए। क्या हुआ समधी जी, खुशी के मौके पर आपके हाथ कांप रहे हैं? खुशी से कांप रहे हैं हम। लाइए लाइए। अब आप अंगूठी पहनाइए। ये लो पहना दो। हाँ पहनाओ।
अरे इतना सोच क्या रहे दामाद जी, अंगूठी की जगह सीधे मंगलसूत्र पहनाने का इरादा है क्या? माफ कीजिए। अब हमें कोई डर नहीं है। तुम आगे की तालीम चाहती थी ना, जाओ जहां तक तालीम लेनी है लो। क्यों क्रिश, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जना। अब तुम दोनों जब चाहोगे तभी तुम लोगों की शादी होगी, ये हमारा वादा है। अरे बाप रे, परेशानी हल हो गई। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और हमारी जिंदगी हमारी। अब यूएस में सेटल हो जाओ और अपने वालिद को फोन कर देना कि क्रिश ने तुम्हें दगा दे दिया, अब उससे शादी नहीं करूंगी। कुछ रोज के लिए उन्हें सदमा लगने लगेगा लेकिन बाद में सब दुरुस्त हो जाएगा। कुछ भी हो उसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा। यकीनन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे लेकिन हमसे कम अच्छा लड़का तो तुम्हें हासिल हो ही जाएगा, उससे शादी कर लेना। अब माफ करना, ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम्हें हमसे भी बेहतर लड़का जरूर मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहो यही हमारी तमन्ना है। हमारे साथ नहीं रहोगे ये सोचकर हमारा दिल घबरा रहा है। तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे? हम तुम्हें कैसे बताएं क्रिश, तुम्हारी खातिर हमारे दिल में क्या जगह है? किसी को दिल में बसाना आसान है लेकिन उसे दिल से निकालना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल, बेहद मुश्किल। हमसे एक वादा करो क्रिश, यहाँ से जाने के बाद तुम कभी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। अंकल मारिए अंकल। हाँ किरदार में ज्यादा खुश जाने से ऐसा ही होता है। भूमि के दिल में तुम पूरी तरह से बस चुके हो तो फिर यूं खामोश क्यों हो? हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं क्रिश? हमसे कोई गलती हो गई क्या? मधु। हाँ। शुक्रिया दोस्त, अगर तुम कृष्णा को यहाँ नहीं भेजती तो हमारी परेशानी कभी हल नहीं होती। इस भूमि के लिए वो एक अनमोल रतन बनकर आया है, इसलिए हम कृष्ण को तुम्हारे हवाले करने की सोच रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या है ना, सबकी मदद करने वाला ऐसा आशिक बड़ी मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में, और तुम्हें मिल गया है इसीलिए इतना गुरूर हो रहा है ना। तुम्हारी अमानत को हम तहे दिल से तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। क्रिश किसी फरिश्ते से कम नहीं है, ऐसा लाखों में एक होता है और वो तुम्हारा है। भूमि, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? उसे दिल में बसाकर हमारे सुपुर्द करते हुए तुम कैसे दौर से गुजर रही हो हम समझ सकते हैं। अगर हमें इसका इल्म ना होता तो बेहतर होता, लेकिन हमें सब मालूम है। उसे क्या कहेंगे सोचो,
उसके यहाँ से जाने के बाद सब उसे धोखेबाज समझेंगे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी है। मधु, तुम शहर में किस लड़के से मोहब्बत करती थी? पापा वो तुम्हें दगा देने वाला यही कृष्णा है ना? चल दफा हो यहां से। चल भाग। इस जिप बातों में आकर तुम अपने कृष्णा पर शक कर रहे हो? वो हमारे घर का दामाद बनने वाला है, ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुम्हें इस घर में लाने वाला और हम दोनों को फिर से एक करने वाला अपना कृष्णा ही है। आज हमें खुद से ज्यादा इस पर एतबार है। कृष, वो क्या बकवास कर रहा है? वो कह रहा है कि तुम्हारे वालदेन ये नहीं, तुम्हारे वालदेन ये है। मधु की मोहब्बत को ठुकरा कर तुम भूमि के आशिक बनकर यहाँ आए? छी, क्या बकवास कर रहा है ये? तुम कौन हो इन्हें बता दो, इन सबकी जुबान बंद कर दो। वो जो कह रहा है वो सही है जनाब, यही हकीकत है। हमारी दुख्तर की जिंदगी के साथ खेलकर उसके साथ आंख बिचौली कर रहे थे नालायक। तुझे कलेजे से लगाकर पूजा की थाली से आरती करते थे हम, हमारे ही खानदान की आंखों में धूल छोंकी तूने। छोड़ो हमें। जिस रोज तुमने अपनी मोहब्बत को हमारे रूबरू लाने में आनाकानी की थी, उसी रोज तुम हमारी नजरों से गिर गई थी। पापा, मेरी बात कुछ नहीं सुनना है हमें। पिताजी, उन्हें रोकिए ना, प्लीज रोकिए प्लीज। तुम्हारी किस्मत में ही धोखा लिखा था बेटा, अपने दिल को तसल्ली दो। भाई साहब रोकिए उन्हें, नहीं तो मर जाएगा वो। मर जाने दो भाई साहब। हमने कहा मर जाने दो। हमने कब नहीं कहा था, अच्छा होता यहाँ आने से कब तुम इल्म कर लेते। सुना नहीं क्या, भूमि हमेशा हमारी ही थी। हमने तुझे कब ले समझाया था, हम देखने में भले ही तुझे सीधे लगेंगे लेकिन हमें कभी छूना मत। भूमि तुझे हरगिज हासिल नहीं होगी और ना ही हम तुझसे उसे मिलने देंगे। भूल जा तू उसे हमेशा के लिए। भूमि का नाम तेरी जुबान पर नहीं आना चाहिए। हमने तुझे एक शरीफ लड़का समझा था लेकिन तूने हमें धोखा दिया। तुम दोनों एक होकर शैतानों को सबक सिखाओगे ऐसा सोचा था हमने। इस तरह एक शरीफ लड़के का ये हर्ष करोगे, अगर हमें मालूम होता तो तुम दोनों को मिलाने की कोशिश हरगिज नहीं करता। पिताजी आप खामोश हो जाओ। अगर तुम्हें मारना ही है तो हमें मारो, हमें मारो। एक बात समझ लो, तुम्हारी दुख्तर की जिंदगी खराब ना हो जाए यही सोचकर हमारे कहे एक झूठ की वजह से ये लड़का बगैर सोचे समझे यहाँ आ गया। शहर में मोहब्बत का नाटक करके मधु को धोखा दिया इसने। खामोश रहो तुम, उसे यहाँ भेजकर इस तरह करने के लिए तुम्हारी दुख्तर ने कहा था। हाँ? समझ में आया? मानते हैं कि यह हकीकत है, फिर भी इसने भूमि की जिंदगी से खिलवाड़ किया है।
ये एक नंबर का धोखेबाज है। कौन है धोखेबाज? तुम्हारी जमीन जायदाद लूटी है क्या? दोनों की जायदाद को जमा भी कर दोगे ना तो भी उसके जायदाद के 100वें हिस्से के बराबर नहीं होगा। हजारों हजार करोड़ का मालिक है वो, कोई भिखारी नहीं है। अपनी सारी खुशी छोड़कर इस ज़ईफ के एक झूठ को हकीकत बनाने के लिए यहाँ आ गया। अरे ओ अहमकों, जंग का मैदान बने इस घर को वृंदावन बना दिया, खुशी से भर दिया। तुमने क्या कहा? उसने तुम्हारी दुख्तर की जिंदगी से खिलवाड़ किया है? ए, वो खुद इससे मोहब्बत कर बैठी है, पूछ लो। ए, सुनो, हम उससे नफरत करते हैं कहने वाले तुम खुद उससे प्यार करने लगे हो। ए, तो तुम्हारी दुख्तर क्या चीज है बेटा? ये एक आजाद मोहब्बत का परिंदा है, इससे किसी को मोहब्बत ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, खरा सोना है। समधी जी, आपके लड़के ने दुश्मनी का पताका लहराने वाले दो खानदानों को एक छत के नीचे लाकर जो एहसान किया है उसके लिए उसकी आरती उतारनी चाहिए। हम वो नहीं कर रहे, हम गुनहगार हैं, क्योंकि हमने उसे खून से नहला दिया। हमारे बच्चों की भूल की माफी हमें दे दीजिए आप। भैया, भूमि को वो बदमाश उठा कर ले गया। रुको, भूमि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। तुम दोनों में से उसकी हिफाजत के लिए कोई नहीं जाएगा, वो जाएगा। ए, हमारा शेर, तुमने वादा किया था कि जिस काम के लिए तुम आए हो उसे मुकम्मल करोगे। जाओ, भूमि को वापस लेकर आओ, जाओ। हरकत तुम्हारी गंदी जरूर है, लेकिन तुम्हारी कमिटमेंट हमें पसंद आई। तुम्हें हिदायत दी थी ना हमने कि हमें छेड़ने की कोशिश मत करना। आजा, आजा। अगर भूमि को हमसे छीन कर ले जाना होना तो उठकर खड़ा होके दिखा, मुकाबला कर हमारा। भूमि की जानिब देखना मत, वो हमारी है।
दिया जाए। इसके बगैर वो रह नहीं सकती, उसके बगैर ये नहीं रह सकता। क्या किया जाए अब बेटा कृष्णा, इन दोनों में से तुम्हारे दिल में कौन है? समझ गया। अब बड़े तुम ही बताओ। अब हम क्या कहें, सुबह मुर्गा भाग देता है इसके कहने से, तो इसे ही कहने दीजिए। कौन हम? और नहीं तो कौन, इस घर में बंदूक तो तुम ही हो ना। बंदूक यकीनन हम है, लेकिन बुलेट वो है, वो किस बंदूक से चलेगा आपको इल्म नहीं किया क्रिश? क्रिश क्रिश, चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर क्यों? मंदिर क्यों जाते हैं नहीं जानते? कोई परेशानी आए तो भगवान को मस्का मारने के लिए मंदिर जाया जाता है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। क्या भगवान जी, हमने जरा सा मजाक क्या कर दिया, आपने तो अपने दिल पर ले लिया। अब उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए ना, ये जो हमारी परेशानी है ना, अब आपको ही हल करनी पड़ेगी। आप जिसकी जानिब इशारा करेंगे ना, हम उससे ही शादी कर लेंगे। बोलिए ना। प्रभु ये कैसी माया है?